आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और चर्चा जो है आज की विज्ञान और कला, इन दोनों का एक अद्भुत समन्वय आपको आज देखने सुनने को श्रवण करने को मिलेगा। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको है तो वो विज्ञान का कार्यक्षेत्र, लेकिन संस्कृत की परंपरा में उन्हें कविराज कहा जाता है। और कवि होने के लिए आपको बहुत संवेदनशील होना आवश्यक है। तो किसी वैद्य को कवि कहना, कविराज कहना, कवि भी नहीं कविराज कहना, ये अपने आप में एक संस्कृत परंपरा का अपना एक देखने का तरीका है, समझने का तरीका है कि केवल हम शरीर को एक कोई मशीन ही ना समझें, उसको उसी तरह से ना उसके साथ व्यवहार करें, उसके जीवन तत्व को हम स्पर्श करें और समझें, और तदनुकूल जो है उसके स्वास्थ्य की हम के लिए जो भी उपयुक्त है उसको हम करें। तो इसलिए आज वैद्य या आप कविराज कह लें तो वो हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र नारायण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की चर्चा को हम आरंभ करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो जैसा कि आप यहाँ पे विषय देख पा रहे हैं, इस विषय में हमने तीन बातें मुख्य रूप से रखी हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण, जो हेल्थ और वेलबींग है, इस बात के संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि जो भारतीय परंपरा में नाड़ी तत्व दर्शन है उसको कला के रूप में, क्योंकि उसको कला के बिना आप नहीं समझ सकते, आप केवल पल्स रीडिंग करके रह जाएंगे कि पल्स कितनी चल रही है, उसका कितना वाइब्रेशंस है, कितना प्रेशर है, केवल इतना जान के रह जाएंगे। इसलिए उस नाड़ी तत्व का जो कलात्मक पक्ष है वो क्या है और उसका जो विज्ञान पक्ष है, जिसकी चर्चा मैं अभी 2-3 मिनट में आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और उसके बाद मुख्य वक्ता जो है इस सारे विषय को अपनी दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दो चित्र आप जो देख पा रहे हैं, पहले इसी को देख लीजिए कि एक और ये तंत्र की दृष्टि से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें तीन तरह के हमारे सामने नाड़ियों की चर्चा होती है योग और तंत्र में, जिसको आप इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। उनका जो है वो सारे का सारा अध्ययन इसमें आता है, क्योंकि नाड़ी तत्व दर्शन जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बड़ा साभिप्राय है, क्योंकि नाड़ी केवल एक कोई वेन ही नहीं है, आर्टरी ही नहीं है, वो एक जीवन प्रवाह का, एक चेतना का प्रवाह का भी एक माध्यम है। तो इसलिए केवल उसको हम केवल एक दैहिक रूप ही समझ लें तो ये शायद हमें ये युक्त नहीं होगा। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है उसका एक रूप है, और दूसरी तरफ आप इधर की ओर जब देखते हैं मेरे दाएं हाथ की ओर, तो आयुर्वेद में ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें नाड़ी को जो वस्तुतः नाड़ी जिसकी हम चर्चा, जिसके ऊपर ज्यादा केंद्रित करेंगे आज की चर्चा, जिसमें वात पित्त कफ के माध्यम से आप सारे के सारे शरीर को और उसके बाकी सारे तत्वों को, किसी भी व्यक्ति के तत्वों को आप जानते समझते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक और रूप नाड़ी का हमें देखने को मिलता है, जो ज्योतिष में हम अक्सर उसका प्रयोग होता है, संदर्भ आते हैं, जहाँ पे आदि, मध्य और अंत नाड़ी की बात होती है, और जब दो लोगों का मिलान किया जाता है तो उसमें इस नाड़ी दोष को बहुत मान्यता दी जाती है। तो वो के लिए यहाँ पे संभव होगा तो उस पर चर्चा वो भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारा ये जो बीच वाला केंद्र है आयुर्वेद में, जो नाड़ी है कैसे उसको देखा गया, समझा गया, और प्लस अगर योग और तंत्र में उस नाड़ी का क्या स्वरूप रहा है और उसका इससे क्या संबंध है, उन सब विषयों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले कि, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में रहने का एक हम लोगों में एक अहम का भाव रहता है कि हम विज्ञान के युग में रहते हैं, लेकिन उस विज्ञान के भीतर रहने वाली जो एक सूक्ष्मता, एक संवेदनशीलता की अपेक्षा थी, उसके उससे मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ, जो भारतीय परंपरा में आपको विशेष रूप से दिखाई देती है। तो वो क्या कहते हैं नाड़ी को, ये यहाँ पे जानने की
आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस संवेदनशीलता को हमने खो दिया तो हम कविराज की बात को कभी हृदय से नहीं समझ पाएंगे। वो केवल एक विज्ञान के रूप में रह जाएगा और वो जड़ता में चला जाएगा। फिर हम शरीर को केवल एक मशीन की तरह ट्रीट करने का प्रयास करेंगे, और जबकि वो नहीं होता। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, चरक संहिता जो कि 300 कॉमन एरा की का ग्रंथ है, नाड़ी विज्ञानम विद्यत सर्वभूत विदा, पल्स साइंस इज द नॉलेज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब ये तत्व की बात है, क्योंकि ये अनुभव से कही गई बात है। दूसरा जो पंक्ति है, मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा, नाड़ी विज्ञान इन ज्ञायते शरीर स्थिति, कि नाड़ी को जानने और समझने से क्या होता है, सारे शरीर की स्थिति पता लग जाती है। नाड्या तु त्रिविधा हेत्या सामान्या वैशेषिका विशेषम, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पल्सेस, जनरल स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। और फिर चौथी बात जो है, इसको भी आप अपने ध्यान में रखेंगे तो डॉक्टर साहब की बात सारी समझने में हमें और सुविधा होगी। नाड़ी विज्ञानम प्रोक्तम त्रिविधम त्रिगुणम एव, पल्स साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज थ्री फोल्ड विद थ्री क्वालिटीज, सत्व रजस और तमस। और एक ये जो अंतिम दो बातें हैं, ये मुझे बहुत प्रभावित पंक्तियों ने किया है, नाड़ी विज्ञानिन योगी ज्ञायते स्वस्वरूपम, कि नाड़ी विज्ञान से योगी अपने स्वरूप को जान लेता है ये। और दूसरी बात, नाड़ी विज्ञानम विद्येत प्राणिनाम प्राण संज्ञकम, तो ये जो है पल्स साइंस इज द नॉलेज ऑफ लाइफ फोर्स इन लिविंग बींग्स, ये जो है ये तत्व की बात है, ये एक संवेदनशील बात है जिसको मुझे लगता है हम सभी को ग्रहण करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके साथ थोड़ी सी बातों को और आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आपका परिचय आज के वक्ता से कराता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ ये मैंने दो रेफरेंसेस दिए हैं, एक छांदों के उपनिषद से और दूसरा प्रश्नोपनिषद से, अत्यंत प्राचीन है, मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, दोनों ही हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय में ऐसे लोगों की कितनी सूक्ष्म मेधा रही होगी, कितना उनका देखने की दृष्टि जो है वो कितनी व्यापक और संवेदनशील रही होगी, कि जिन्होंने यहाँ पर आर्टरीज के बारे में चर्चा की है। नहीं तो हम इनको धार्मिक ग्रंथ मान करके, आध्यात्मिक ग्रंथ मान करके अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो कितनी सूक्ष्मता से ये बात कहते हैं। संस्कृत को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, केवल आपके लिए ये अंग्रेजी में इसका पढ़ रहा हूँ अनुवाद। देयर आर 101 आर्टरीज कनेक्टेड विद द हार्ट। अब ये बात समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता होगी। वन ऑफ देम गोज अप टू द टॉप ऑफ द हेड, ए पर्सन हु गोज अप फॉलोइंग दिस आर्टरी अटेन्स इमोर्टैलिटी, द अदर आर्टरीज गो इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड कॉज वन टू डिपार्ट फ्रॉम बॉडी इन अदर वेज। ये और प्रश्नोपनिषद में भी लगभग इसी तरह की सारी ये बात कही गई है कि ये नाड़ियां जो हैं, 100 से अधिक नाड़ियां जो हैं वो रहती हैं, फिर उनके आगे के जो भाग हैं उनमें 72,000 नाड़ियां हैं। और ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इन 72,000 नाड़ियों की टर्म को प्रयोग करने के पीछे रहस्य क्या है, अर्थ क्या है, ये मुझे लगता है हमारे लिए समझना अपेक्षित है। अब ये जो आज हम विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं नाड़ियों के बारे में, उसमें ये तीन चीजें मुख्य रूप से रहती हैं, और तीन अपनी जो उंगलियां हैं उनसे ही आप इन नाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है वो आप वात पित्त कफ को पहचानते हैं। लेकिन वो ही पकड़ पाता है जिसने इसमें अभ्यास किया है, समझा है, जाना है और महसूस किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फोटोग्राफ्स हैं, बड़े क्लियर हैं, इसमें कुछ मुझे विशेष नहीं कहना, आप देख के ही समझ सकते हैं। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की इन नाड़ियों को स्पर्श करने के द्वारा, इनकी गति को समझने के द्वारा आप विभिन्न जो आपके अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उनकी स्थिति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आप केवल एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में इन चीजों को देखते हैं, जहां पर वो पल्स आपकी देखते हैं और देखते हैं कि वो किस रेट पे चल रही है, रिदम, उसका वॉल्यूम, फोर्स, टेंशन, ये सब चीजें वहां पे देखी जाती हैं, तो इन दोनों का तालमेल बिठाने की भी हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों का समन्वय कैसे हो। और इसके साथ साथ ये बात भी हम थोड़ा सा ध्यान रख लें कि स्वास्थ्य, क्योंकि जब मैंने तीन शब्द आपसे कहे थे कि नाड़ी और वेलबींग, जो कल्याण है, मंगल है, और साथ में स्वास्थ्य,
तो ये आप जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये उनकी डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ ऑल डिजीजेस। और साथ ही उन्होंने जो वेलबींग की भी परिभाषा दी है, वेलनेस की परिभाषा, जिसमें इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सब बातें आप जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन इसके एट पार जब आप अपनी परंपरा में जाते हैं, ये तो 21वीं शताब्दी के लोग अपना दावा करते हैं, लेकिन जब आप अपनी परंपरा को देखने लगते हैं, उस धरती पे खड़े होकर देखते हैं, तो आपको वो एक बड़ा स्पष्ट परिभाषित करके देते हैं सुश्रुत संहिता में। समदोष समाग्निष्ठ सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ इत्यभिधीयते कि इस सब में जब एक इक्विलिब्रियम त्रिदोष में, वात पित्त कफ में है, इक्विलिब्रियम डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक प्रोसेस में है, आपके सप्त धातु जो है, यानी कि जो टिश्यूज, ब्लड, मसल आदि जो है, इनमें एक स्वस्थता है, और जो आपके शरीर के मल हैं, बॉडी वेस्ट लाइक यूरिन और स्वेट इत्यादि, और प्लस जब प्लेजेंट स्टेट ऑफ इंद्रिया, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, और आत्मा एंड मनस जो है, ये जब एक इनमें एक हार्मनी होती है, तो आप स्वस्थ कहलाते हैं। ये इनकी परिभाषा है और आप इनका कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं, जिसकी मैं चाहता हूं कि आप लोग जब ओपन हाउस डिस्कशन रहे तो उसमें इसके ऊपर जरूर आप लोग टिप्पणी भी करें। और दूसरी तरफ जब आप वेलनेस या वेलबींग की बात करते हैं, तो ये हमारा सीधा सा एक स्पष्ट सा एक प्रतिपादन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप जानते हैं सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये आप जानते हैं। और इसको अगर आप 8 डायमेंशंस ऑफ वेलबींग के साथ अगर जोड़ें, तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि हम कैसे इसका मूल्यांकन करें। तो इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण शर्मा जी, BAMS CHMS हैं और इस वक्त प्रधान वैद्य हैं संपूर्ण स्वदेशी आरोग्य केंद्र कुरुक्षेत्र में, और पूर्व में प्रिंसिपल रहे हैं कीर्ति कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत में। इसके अतिरिक्त समाज के साथ उनका बड़ा एक गहरा संपर्क रहा है, और समाज में जाकर के उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है वो वाकई अद्भुत और प्रशंसनीय है। और साथ ही साथ ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि उनका शास्त्र ज्ञान और जो उसमें कवित्व की भावना रहनी चाहिए कि केवल शास्त्र को बुद्धिगति नहीं है, वो हृदय की भी बात है, ऐसा सामंजस्य आप उनकी चर्चा में आज यहाँ पे देखेंगे। तो मैं इससे पूर्व कि मैं उनको आमंत्रित करूं, 2-3 प्रश्न मैं और सांझे आप लोगों के साथ कर लेना चाहता हूं, और उसके बाद 35-40 मिनट डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद खुली चर्चा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं इसको विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन इनके ऊपर विचार करते हुए ये सब बातें मेरे सामने थी, तो केवल मैं इतना ही साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि ये जो नाड़ी विज्ञान है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की, जितना समझने की कोशिश की, और जैसे कुछ कॉलेजेस में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आयुर्वेद के कुछ पोर्शंस लगने चाहिए सामान्य जो संस्कृत कॉलेजेस हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ हम किस तरह से इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वस्तुतः उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैलिडेशन और इंटीग्रेशन जो है नाड़ी विज्ञान का मॉडर्न डायग्नोस्टिक के साथ, वो कैसे हम करेंगे, फिर इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन के इश्यूज को हम कैसे देख सकते हैं कि नाड़ी विज्ञान और क्रॉनिक डिसीजेस को, उसके अलावा जो रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस रहेगा नाड़ी विज्ञान का, क्योंकि वो तो अनुभव का ज्यादा बात है, तो वो तो खैर मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स भी कई बार इसी अनुभव से ज्यादा सीखते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन में भी कई प्लस माइनस होते हैं, और प्लस इसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के इश्यूज को हम कैसे देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज को हम कैसे देखेंगे समझेंगे, और इसमें सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि जब आप नाड़ी पढ़ते हैं तो आप सारे का सारा व्यक्तित्व भी पढ़ लेते हैं, तो वो भी एक इशू है। लेकिन ये 6 इश्यूज जो है, मुझे लगता है कि इन विषयों को भी डॉक्टर साहब जो है स्पर्श करेंगे। और इसके अतिरिक्त मॉडर्न मेडिकल साइंसेस के साथ जो इसके कंपैटिबिलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें होलिस्टिक अप्रोच जो है उसको हम नाड़ी विज्ञान जो है वो किस तरह से होलिस्टिक उसकी अप्रोच रहती है, और बाकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के साथ उसका तालमेल कैसे बैठेगा,
प्लस जो कंट्रास्ट आपको दिखाई देंगे मेडिकल साइंस और नाड़ी विज्ञान में है ही है, आयुर्वेद के पक्ष से और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पक्ष से कई सारे की कंट्रास्टिंग चीजें आपको दिखाई देती हैं। और प्लस जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम किस तरह से आयुर्वेद के साथ मिला सकते हैं, कैसे तालमेल बिठा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक कल्याण संभव हो। और बाकी तो सामान्य बातें हैं कि पोटेंशियल एप्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं और इसके स्टैंडर्डाइजेशन के चैलेंजेस क्या होंगे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ एक पक्ष हैं, अगर ये संभव हो तो इन पक्षों के ऊपर भी चर्चा जो है वो की जाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र नारायण शर्मा जी को कि वो हमारे साथ अगले 35-40 मिनट इस सारे विषय पर चर्चा करें और हमें इसके जो भी विषय विस्तार है और सूक्ष्मता है उससे हमें परिचित कराएं ताकि हम भी अपने ज्ञान में अग्रसर हो सकें। तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपनी चर्चा हमारे साथ आरंभ करें और उसके बाद फिर हम प्रश्नोत्तर या टिप्पणियां जो भी हम लेंगे। जी सर, डॉक्टर साहब आप सादर आमंत्रित हैं। सैनावतु सैनौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आशुतोष जी आंग्रेस जी का हृदय से सम्मान एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपने इस संवाद संवाहक प्रबोधक मंच पर अपने विचार साझा करने का सुअवसर प्रदान किया। पश्चात उपस्थित समस्त विद्वान मंडल का हार्दिक सम्मान एवं प्रणाम करना चाहूंगा, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, जब मैं ऐसा कहता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य होता है एकाग्र भाव से समग्रता के साथ सुनना। द वर्ड लिसन कंटेन्स द सेम लेटर्स एज द वर्ड साइलेंट, सो प्लीज लिसन साइलेंटली। अस्तु, मनुष्य मात्र की समस्त चेष्टा सुख प्राप्ति के लिए है। ये सुख दो प्रकार का होता है, प्रथम लौकिक सुख अर्थात भौतिक सुख, द्वितीय पारलौकिक सुख अर्थात आध्यात्मिक सुख, जिसे आनंद भी कहा है, मोक्ष सुख भी कहा है। इन सुखों की प्राप्ति का जो साधन है, जो हेतु है प्राप्ति के लिए, जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास पुरुषार्थ कहलाता है। कृष्टो यत्नः प्रयत्नः पुरुषार्थः। पुरुषार्थ में चार बातें निहित हैं। प्रथम अप्राप्त की प्राप्ति, जिसे हमारे शास्त्रकारों ने योग कहा है। द्वितीय प्राप्त का रक्षण, जिसे हमारे शास्त्रकारों ने क्षेम कहा है। और ये दो महावाक्य की तरह एक सुप्रसिद्ध भारतीय वित्तीय संस्था का आदर्श वाक्य भी बन गया है। आप सभी परिचित हैं LIC से,
उनका आदर्श वाक्य है योग क्षेमं भाम्यहम्। बड़ी सुंदर भावना है इसमें। आप इसको अगर थोड़ा सा विस्तार करके देखेंगे तो आपके सामने समग्र जीवन का आयाम खुल जाएगा। तीसरी जो पुरुषार्थ की भावना है वो है रक्षित का वर्धन, रक्षित की वृद्धि। और चौथी भावना है वर्धित का त्याग। जब मैं ऐसे कहता हूं त्याग, त्याग से मेरा तात्पर्य होता है अनुदान, योगदान। अल्प जब किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार होता है, आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है और उस आदान प्रदान में हमें जो भाव मिलता है वो हमारी चेतना को आह्लादित करता है। तो त्याग से मेरा अभिप्राय है अवदान। और शास्त्रीय भाषा में यदि हम इसे कहना चाहें तो कहेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटेंड असेस, लोक हिताय, जगत हिताय, जीव हिताय, परोपकाराय, स्थान विभूताय। सत्तामान पदार्थों का अस्तित्व अर्थ के लिए होता है, जैसा कि हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि किमर्थम इति दृश्यम, ये जो दृश्य है ये किस लिए है, तो वो कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए है, जीवात्मा की भोग और जीवात्मा की अवर्ग अपवर्ग के लिए ये समस्त जो ब्रह्मांड है, जो विस्तारित दृश्यमान जगत है वो है। तो यहां पर हमें एक भावना मिलती है कि हमें अपने जीवन में त्याग को विशेष महत्व देना चाहिए। पुरुषार्थ का अंतिम ध्येय है पारलौकिक सुख की प्राप्ति, अर्थात जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी जन्म मन से मुक्ति। जन्म मन से मुक्ति से तात्पर्य है भूत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्ति, यानी ऑलवेज बी अवेयर एंड स्टे इन द मोमेंट इज द रियल फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये मुक्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है और पुरुषार्थ का जो अंतिम ध्येय हो वो मोक्ष सुख ही है। तो पुरुषार्थ के लिए धर्म अर्थ काम ये इस मोक्ष रूपी द्रव्य की प्राप्ति के लिए साधन है। पुरुषार्थ के लिए मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है, जिसके लिए शास्त्रकारों ने निर्देश किया है, बड़ी सुंदर शब्दों में कहा है कि धर्मार्थ का मोक्षणाम आरोग्य मूलम उत्तम, रोगास्तस्य अपहरता रहा श्रेयसो जीवितस्य च, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य का मूल, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो है हमारा एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, अपने दोषों की जो समस्थिति है, धातुओं की जो समस्थिति है। तो पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए मनुष्य को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परमावश्यक है और इस पुरुषार्थ की प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो उत्तम स्वास्थ्य है। तो इस उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे ऋषियों ने समय समय पर हमें निर्देश दिया है, आदेश दिया है और इसको प्रथम धर्म माना है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। ये जो हमारा शरीर है आयुर्वेद की दृष्टि से ये दोष धातु मन मूलम ही शरीरम,
ये जो शरीर है ये दोष धातु और मल से बना हुआ है। शरीयते प्रतिक्षणम नश्यतीति शरीरम, जो प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है बनता रहता है वो शरीर संज्ञा को प्राप्त होता है। तो इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य की दो परिभाषाएं दी जाती है। प्रथम परिभाषा आयुर्वेद ने दी है जो सर्वांगकुण सर्वांगीण परिभाषा है, और ये एक ऐसी परिभाषा है जिस परिभाषा के समक्ष अन्य सभी परिभाषाएं छोटी पड़ जाती हैं। आयुर्वेद क्या कहता है स्वास्थ्य के विषय में, कहता है कि सम दोषाः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अवधीयते, कि हमारे तीनों ही दोष समान अवस्था में होने चाहिए, समस्थिति में होने चाहिए। वात पित्त कफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोहेशंस एंड कंपोजिशंस, देयर शुड बी इन परफेक्ट हार्मनी। ये तीनों समान स्थिति में होने चाहिए। और हमारी जो सेवन धातु है सप्त धातुएं हैं वो भी समान स्थिति में होनी चाहिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, ये सातों धातु हमारी सम स्थिति में होनी चाहिए, संतुलित में होनी चाहिए। संतुलन का होगा तो रोग हमारा नहीं होगा, हमारा शरीर रोगों से निर्मूल होगा। और हमारी जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, वैसे हमने जठराग्नि के विषय में तो बहुत सुना है, परंतु आयुर्वेद 13 प्रकार की यज्ञों का वर्णन करता है। ये 13 प्रकार की एंजाइम्स कह लीजिए, एंजाइमेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करते हैं, वो सम स्थिति में होने चाहिए। और इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, जिसके अंतर्गत मल मूत्र और स्वेद आ जाता है, वो समान अवस्था में होने चाहिए, ना अधिक होने चाहिए ना कम होने चाहिए, उनकी सम स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति को ही हम स्वस्थ स्थिति कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। लेकिन आयुर्वेद यही नहीं रुकता, वो इससे भी कहीं आगे जाता है, मोर देन दिस। वो कहता है कि प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अवधीयते, जिस स्थिति में हमारा आत्मा प्रसन्न हो, आह्लादित हो, उत्फुल्ल हो, वो स्थिति स्वास्थ्य है। जिस स्थिति में हमारी इंद्रियां, यहाँ इंद्रियों से तात्पर्य आयुर्वेद का हमारे सेंस ऑर्गन से है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन्स में जो अलग अलग से कॉर्टेक्स है, वो अलग अलग, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स है, ऑडियो कॉर्टेक्स है, ये अलग अलग इंद्रियों को सूचित करते हैं, और इनके साथ इंद्रिय गोलक जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से ये बाहर से आवेगों और संवेगों को ग्रहण करते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो कार्यक्षम हो, वर्क एफिशिएंट हो, तो वो समस्थिति में होंगी, स्वास्थ्य कहलाएगी। और इससे आगे वो बताते हैं कि जो हमारा मन है वो एकाग्र भाव में हो, एकाग्रीभूत हो। यदि मन चंचल रहेगा, वैसे तो चंचलता मन का स्वभाव, चंचलत्वम भी मनोधर्म, परंतु उस स्वभाव को अंडर कंट्रोल कर लेना, संयमित रखना, ये एक समस्थिति कहलाती है, और इस समस्थिति को भी स्वस्थ कहा है। अब चूंकि इसी परिभाषा को आधार मानकर, इसी से अनुप्राणित होकर WHO ने भी अपनी एक परिभाषा की है, परिभाषा वो भी बड़ी सुंदर करते हैं। वो कहते हैं कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, इट इज नॉट मेरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इनफर्मिटी। उनका भी कहना यही है कि स्वास्थ्य जो है एक अखंड स्थिति है, एक अखंड अवस्था है, मन की, शरीर की, भावना की और आत्मा की एक अखंड अवस्था है, उसमें एक तारतम्यता है। ये केवल रोगों का अभाव मात्र नहीं है, अपंगता का अभाव मात्र नहीं है,
मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक है। अब ये मोर देन दिस जो है, ये जो कॉन्सेप्ट WHO ने आयुर्वेद की परिभाषा से ग्रहण किया है, निस्संदेह ग्रहण किया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हमें इन दोनों परिभाषाओं में किंचित भेद के साथ समानता अधिक नजर आती है। तो आयुर्वेद ने एक बहुत बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट दिया है स्वास्थ्य का, वो कहते हैं इसको चार भागों में बांटते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें हमारा तीन दोष सप्त धातु मल मूत्र आदि क्रियाओं का जो संतुलन है वो आ जाता है, और दूसरा हमारा जो साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है उसमें हमारा आत्मा की प्रसन्नता, इंद्रियों की कार्यक्षमता और मन की एकाग्रता आ जाती है, और तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिया है वो है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। यदि मनुष्य शारीरिक मानसिक तलों पर धात्विक तलों पर स्वस्थ है, उत्सर्जन तंत्र के आधार पर उसकी क्रियाएं परिपूर्ण ढंग से हो रही है, और वो मन आत्मा और इंद्रियों के स्तर पर भी संपूर्णता के साथ अखंडता के साथ कार्यक्षम है, तो उसका जाहिर है कि अपने वातावरण से अपने परिवेश से जो संबंध होगा वो संबंध स्वस्थ ही होगा। तो वो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के विषय में आयुर्वेद ने बड़े अच्छे ढंग से विस्तार से बताया है, किसी अन्य कार्यक्रम में फिर इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। और जो चौथा उन्होंने आयाम बताया है वो बताया है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जो व्यक्ति अपने शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर पे समत्व को प्राप्त हो जाएगा वो फिर अपने वातावरण के साथ भी अंतरंगता प्राप्त कर लेगा, एक तारतम्यता प्राप्त कर लेगा। जब अपने वातावरण से तारतम्यता प्राप्त करेगा तो उसका पूरे ब्रह्मांड के साथ तारतम्यता हो जाएगी, अर्थात मन शरीर और आत्मा के बीच में एक अखंडता स्थापित हो जाएगी। इस अखंडता को ही, इस अखंड स्वास्थ्य को ही होलिस्टिक अप्रोच कहा है आयुर्वेद ने, और इन परिभाषाओं को, इन कॉन्सेप्ट्स को WHO ने भी स्वीकार किया है। अब देखिए, हमने स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा जाना कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और व्याधिग्रस्त होने पर व्याधि विनाश के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उस ज्ञान का नाम है आयुर्वेद। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुर्वेदयति इति आयुर्वेद, जिसे आयु का संपूर्ण ज्ञान होता है उस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर जो निदान और संपूर्ण समाधान होता है उस को, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहा है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या हुआ, प्रयोजनम चास्य आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और जो विकारग्रस्त है, रोगग्रस्त है, उनके रोग को समन वमन अपना जिसको हम कायशोधन कहते हैं, प्योरिफिकेशन, पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसको हम समन चिकित्सा कहते हैं, और रसायन, ये तीन प्रक्रियाओं के तहत उसको आरोग्य प्रदान किया जाता है, तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये शास्त्र, ये आयुर्वेद जिस आयु को लेकर बात कर रहा है वो आयु क्या है, यानी आयु माने क्या। तो बड़े सुंदर शब्द में हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने आयु को व्याख्यायित किया है और कहा है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो आयुरुच्यते, ये जो शरीर और इंद्रिया हैं ये पंच भौतिक द्रव्य हैं जो कि विकारी हैं, विनाशशील है, अचैतन्य है, जड़ स्वरूप है। इसके विपरीत जो आत्म तत्व है वो निर्विकारी है, चेतन है,
और अविनाशी है। जब इस जीवात्मा का मन के माध्यम से शरीर और इंद्रिय से संपर्क होता है तब इसमें जीवन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और यह हितकर अहितकर सुख दुख द्रव्य गुण तथा कर्मों से प्रभावित होने लगता है। तब इसकी संज्ञा चिकित्सीय पुरुष व राशि पुरुष हो जाती है और यही वो बिंदु है जहां से रोगों व विकृतियों का आधान व निदान प्रारंभ होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक समय में वर्तमान समय में रोग निदान के लिए अनेक उपकरण एवं परीक्षण प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। ये उपकरण तथा परीक्षण प्रणालियां इतनी महंगी एवं समय साध्य है कि भारतीय साधारण जन इनसे लाभ नहीं उठा पाता। इसके अतिरिक्त भारतीय मनुष्यों ने प्राचीन काल में एक ऐसी अनूठी व्यावहारिक निरापद वैज्ञानिक और सुसंगत एक नैदानिक प्रणाली का आविष्कार किया था जिसका नाम है नाड़ी तत्व दर्शन, स्टडी ऑफ पल्स डायग्नोसिस विद एलिमेंटल बैलेंस थ्रू फिलोसफिकल इंसाइट्स। ये नाड़ी तत्व दर्शन जो है विज्ञान को भी अपने में समाहित कर लेता है, दर्शन को भी समाहित कर लेता है और कला को भी समाहित कर लेता है। तो इस नैदानिक प्रणाली का नाम है नाड़ी तत्व दर्शन, जिसे नाड़ी विज्ञान भी कहा है और इसको नाड़ी चिकित्सा भी कहा है। तो ये नाड़ी चिकित्सा न केवल हमारे रोगों का निदान करती है अपितु यह हमें एक जीवन जीने की कला से भी अवगत करवाती है। तो ये जो नाड़ी तत्व दर्शन है त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर रोगी के हाथ की नाड़ी का अनुभव करके उसके रोग को पहचान कर रोग का त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर सही सही निदान और समाधान करता है और गहराई में जाकर उस रोग के कारणों को ढूंढकर उनका संपूर्ण समाधान देता है। तो ये थोड़ा सा हमने एक भूमिका दी। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि नाड़ी क्या है। नाड़ी मात्र नस और धमनी नहीं है जैसा कि इसे समझा जाता है और ये मात्र रक्त का प्रवाह ही नहीं करती। नाड़ी एक बहुत विशाल शब्द है संस्कृत शास्त्रीय, जिसका अर्थ होता है नदी। नदी का अर्थ होता है प्रवाह। इसलिए नाड़ी एक ऋण प्रवाह है। नाड़ीस आर दी पाथवेज और चैनल्स ऑफ प्राणा इन द बॉडी सिस्टम। इस नाड़ी में न केवल रक्त का प्रवाह होता है अपितु दोष धातु मलों सहित तीनों दोषों का भी इसमें प्रवाह होता है। उस सूक्ष्म भाव और त्रिदोषों को अच्छे से अर्धंगम करके तो नाड़ी का विश्लेषण किया जाता है, रोग का निदान किया जाता है। वैसे हमारे तंत्र के ग्रंथों में 350,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं और ये 72,000 नाड़ियों को हम 14 मूल नाड़ियों में समाहित कर सकते हैं, जिसमें हस्ती है, जीवा है, चित्रा है, अलुम्बसा एक विशेष प्रकार की नाड़ी अलुम्बसा जो हमारे बॉडी को टॉक्सिन से मुक्ति दिलाने का
प्रयास करती रहती है और हरदम प्रयास करती रहती है, प्रतिपल प्रयास करती रहती है, जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर करने का काम ये अलम वसा नाड़ी करती है। और जैसे पुरीतत नाड़ी है जो हमारे हृदय में स्थित है, वो हमें हृदय रोगों से निजात दिलाने में सहायक होती है। और हमारी जो पुषा नाड़ी है, पुष्पा नाड़ी है, ये सभी प्रकार की जो 14 प्रकार की नाड़ियां हैं, मृत्यु दार्यम, गंगा इत्यादि, ये सभी नाड़ियों का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया है और 14 नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों को समाहित किया है। अब ये 72,000 नाड़ियां और 14 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य है जिनको हमने द लेफ्ट, द राइट, द सेंट्रल अर्थात इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से अभिहित किया है। अब इसमें जो ईडन नाड़ी है वो हमारे जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे ब्रेन का, उससे जुड़ी हुई है और ये चंद्रमा से इसका संबंध है। शीतलता प्रदान करती है, कफ का संचार होता है इसमें और ये एक स्त्रैण ऊर्जा से भरपूर होती है, फेमिनिन एनर्जी से युक्त होती है। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसका संबंध सूर्य से है। जैसे सौरोदय विज्ञान में अगर जाएंगे तो जो सूर्य स्वर का वर्णन आता है वो इस सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ है जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। इसके अंदर पुरुषोचित ऊर्जा होती है, मैस्कुलिन एनर्जी का प्रवाह होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। और जो मध्यस्थ नाड़ी है जिसको मध्य नाड़ी, आदि, मध्य और अंत्य, 3 नाड़ियों का वर्णन किया है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो ज्योतिष में आदि, मध्य और अंत्य जो नाड़ियां आती है वो इन तीनों ही नाड़ियों का वर्णन है प्रकारांतर से। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका संबंध हमारे समत्व से होता है, हमारे बैलेंस से होता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से होता है, हमारी इम्यूनिटी से होता है, हमारे आध्यात्मिक विकास से होता है। और ये जो नाड़ी है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। तो ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इन 3 मुख्य नाड़ियों से जो हमारे प्राण प्रवाहित होते हैं, जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे प्राण का विज्ञान बड़ा विचित्र विशद विज्ञान है तो उसमें कहा है कि हृदि प्राणो बुधे पानो समानो नाभिमंडले उदानो कंठ देशस्थो व्यानो सर्व शरीर गहा। जो ये सर्व शरीरवर्ती जो प्राण है ये विभिन्न स्थानों में संचरण करता हुआ इन नाड़ियों के माध्यम से शरीर को पोषण प्रदान करता है, शरीर को कार्यक्षम बनाता है। तो ये 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं आयुर्वेद में। लेकिन वर्तमान विज्ञान में भी अनेक अनेक नाड़ियों का वर्णन है और वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी 9 मुख्य नाड़ियों को प्रधानता दी है, जिनमें एक नाड़ी है रेडियल। इट इज लोकेटेड ऑन द रिस्ट बिलो द थंब, रेडियल नाड़ी। और मोस्टली इट इज मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड पल्स टू मेजर द पल्स रेट। और इसी को ज्यादातर हम पल्स रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के लिए। और आयुर्वेद में इसी नाड़ी को प्रकोष्ठिका कहा है। तो ये रेडियल आर्टरी जो है इसमें इसका बहुत उपयोग होता है नाड़ी दर्शन के लिए। दूसरा है कैरोटिड आर्टरी, वो कैरोटिड आर्टरी का वर्णन करते हैं जो हमारी गर्दन में होती है। ये जो स्थान है गर्दन का ये पालपिटेट करती रहती है। आपने कभी देखा हो किसी को जब कोमा हो जाता है या मूर्छा जैसी स्थिति आ जाती है, CPR देने की जरूरत पड़ती है, तब इस नाड़ी के स्पंदन को यहाँ पर अंगुली रख के देखा जाता है। तो ये जो कैरोटिड नाड़ी है ये ब्लड का और धातुओं का हमारे चेहरे को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी गर्दन को संचार करती है और इसको पोषण प्रदान करती है। एक नाड़ी है टेम्पोरल पल्स, जो हमारे कान के पास जो टेम्पोरल बोन है वहां पर पाई जाती है। इसका भी हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ ये जो स्थान है यहाँ पर ये स्पंदन करती रहती है। और एक नाड़ी है हमारी ब्रिकिल नाड़ी। ये नाड़ी हमारा जो कोहनी है, जो एल्बो है, एल्बो के स्थान से निकलती है, आगे जाकर ये 2 में विभाजित हो जाती है।
एक को हमने रेडियल कहा है, दूसरी को अल्नार कहा है। अब ये जो ब्रैकियल पल्स है, यहाँ पर हम बीपी लेने के लिए अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, स्पंदन लेने के लिए बीपी के दौरान, और जो बच्चों को जब सीपीआर दिया जाता है तो सीपीआर के दौरान भी इस ब्रैकियल नाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ पर कोहनी के मध्य में स्थित होती है, आगे जाकर दो में विभाजित हो जाती है। एक नाड़ी है जिसको एपिकल नाड़ी बोलते हैं, ये एपिकल नाड़ी हमारे हृदय में बाई ओर स्थित होती है, किंचित हृदय के पास, और इसी को पुरीतत नाड़ी कहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी वर्णन किया है कि जो हमारी आत्मा वो हृदय में स्थित होती है और वो हृदय के माध्यम से अपने सभी आदेश प्रसारित करती रहती है, वो पुरीतत नाड़ी के माध्यम से ही ऐसा होता है। वर्तमान विज्ञान में उस नाड़ी को एपिकल पल्स बोला गया है। और एक नाड़ी होती है वर्तमान विज्ञान में, उसको फीमोरल पल्स का है, जो हमारी फीमोरल बोन होती है, जो पेल्विक रीजन होता है, और जो हमारा बोन होता है फीमर, जो बड़ी हस्ती होती है उसके बीच में और पेल्विक रीजन के बीच में जो हस्ती होती है फीमोरल बोन, उसके बीच में ये स्थित होती है। ये भी एक स्पंदन को अनुभव करने के लिए नीचे के अंगों में सही प्रकार से रक्त संचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको अनुभव करने के लिए इस नाड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक नाड़ी होती है डोर्सेलिस पेडिस करके, ये लोकेट करती है जो हमारा पांव का पंजा होता है उसके ऊपर लोकेट करती है, तो इसको भी स्पंदन लेने के लिए यूज किया जाता है। एक नाड़ी होती है वर्तमान विज्ञान में जिसको कोपलिटियल पल्स बोलते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द ज्वाइंट इन पोपिटल फोसा, जो पोपलिटियल फोसा होता है, जो घुटने का पीछे वाला भाग होता है, यहाँ पर एक नाड़ी होती है जिसको कोपलिटियल पल्स बोला जाता है। और ये भी स्पंदन लेने के लिए, ये जानने के लिए कि नीचे की जो एक्सट्रीमिटीज है, जो नीचे के अंग है, उनमें रक्त का प्रवाह, धातुओं का प्रवाह, दोषों का प्रवाह समान रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए इस नाड़ी को मेजर किया जाता है। अब एक नाड़ी होती है हमारी पोस्टीरियल टिबियल करके, एक नाड़ी होती है जो हमारे एंकल्स पे पाई जाती है, जो एंकल्स का बाहर वाला हिस्सा होता है वहां पर ये नाड़ी स्थित होती है। इसको भी हम पल्स रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा करके 14 नाड़ियों का वर्णन हमारे आयुर्वेद में मुख्यता किया है और 9 नाड़ियों का वर्णन मॉडर्न साइंस में, मेडिकल साइंस में किया गया है। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं नाड़ी दर्शन से पूर्व कि जो नाड़ी का स्पंदन होता है वो प्रति मिनट क्या होता है, क्योंकि यदि प्रति मिनट हमें नाड़ी के स्पंदन के विषय में ज्ञान नहीं है तो नाड़ी दर्शन में हमारे लिए सुगमता नहीं रहेगी। तो सबसे प्रथम हम गर्भस्थ शिशु की जो नाड़ी का स्पंदन है वो लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो माता की नाड़ी के स्पंदन से लिया जाता है, और यदि माता की नाड़ी का स्पंदन 140 PRPM है, पल्स रेट पर मिनट है, तो समझिए कि गर्भस्थ शिशु का जो नाड़ी स्पंदन है वो सामान्य है। अब हम थोड़ा सा आगे और विस्तार में जाते हैं कि जन्म लेने के पश्चात जो नाड़ी का स्पंदन है वो बढ़ जाता है, किंचित बढ़ जाता है, और जो नवजात शिशु है उसका नाड़ी स्पंदन 140 PRPM होता है, और जो 6 महीने तक का जो शिशु होता है, इन्फेंट होता है, उसका नाड़ी स्पंदन 120 से 130 PRPM होता है, और जो चाइल्ड होता है 5 से 6 वर्ष तक का जो चाइल्ड होता है उसका जो PRPM होता है वो करीब 100 PRPM होता है, और जो युवा होता है करीब 15 वर्ष तक का जो युवा होता है उसका PRPM 90 होता है, और जो प्रौढ़ होता है 35 वर्ष तक का उसका PRPM 70 होता है, और जो वृद्ध होता है, अब थोड़ा सा जो वृद्ध पे आते हैं जिसको हम 35 से लेकर 50 तक का, उसका PRPM
70 होता है और जो अति वृद्ध होता है उसका PRPM ये मान के चलिए 75 से 80 होता है। अब ये जो PRPM की जानकारी लेने के पश्चात हमें नाड़ी दर्शन में आगे बढ़ना होता है। अब देखिए सवाल खड़ा होता है, हाउ नाड़ी दर्शन इज डन इन आयुर्वेदा। एक्चुअली नाड़ी दर्शन ट्रेडिशनल इज डन बाय सेंसिंग पल्स यूजिंग इंडेक्स रिंग मिडल एंड रिंग फिंगर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाता पिता कफा एट वेरियस लोकेशंस एट थ्री वेरियस लोकेशंस सॉरी थ्री लोकेशन एट रेडियल आर्टरी लोकेटेड ऑन रिस्ट। इसको हम वहां इसका स्पंदन लेते हैं और उस स्पंदन को वात पित्त कफ के आधार पर दोष धातु मलों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है, आकलन किया जाता है। उस आकलन के आधार पर रोगी का रोग निदान किया जाता है और समाधान किया जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो नाड़ी का दर्शन काल क्या होना चाहिए, नाड़ी का जो दर्शन काल है आयुर्वेद की दृष्टि में वो कफ काल होता है। कफ काल जो है वो प्रातः 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का माना गया है, यानी नाड़ी को हमें 6 बजे से लेकर प्रातः 10 बजे तक उसको देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए, उसको रीड करना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक्चुअली जब हम नाड़ी दर्शन करते हैं तो उस अवस्था में हमें किसी प्रकार का पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए एक्सेप्ट ऑर्डिनरी प्लेन वाटर, और किसी तरह का ठोस भोजन नहीं लेना चाहिए, और किसी तरह की जो फिजिकल एक्सरसाइज वो नहीं करनी चाहिए, इवन कि योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करना होती है। और इसमें हमें नाड़ी के दर्शन को करने में एक सुगमता प्राप्त होती है, क्योंकि नाड़ी का जो स्पंदन है वो ये क्रियाकलाप करने से या भोजन पान करने से वो उसका जो रिदम है वो गड़बड़ा जाता है। अब थोड़ा सा इसमें हमें रिदम को भी देखना होता है कि ये रिदम क्या होती है। जब हमारी नाड़ी कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है ड्यू टू ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब वो नाड़ी कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है तो वहां से एक पल्स रेट पैदा होती है, रिदम पैदा होती है। तो हमें उसका रिदम देखना होता है, उस रिदम की पल्स की जो क्वालिटी है वो देखनी होती है, और साथ में हमें उसका एक गठन भी देखना होता है नाड़ी का कि नाड़ी किस तरह से व्यवहार कर रही है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें नाड़ी दर्शन करना होता है। डॉक्टर साहब समय की तो कोई सीमा नहीं है आपके हिसाब से, यदि है तो मुझे सूचित कीजिए। समय की सीमा तो है सर, लगभग 15 मिनट आपके पास और हैं अभी। ठीक है डॉक्टर साहब जी। तो ये हमने थोड़ा सा नाड़ी के विषय में सैद्धांतिक रूप से आपके सम्मुख रखा। अब हम नाड़ी के व्यावहारिक पहलू पर आते हैं, एप्लीकेशन जो कि मुख्य है। अब नाड़ी का जो व्यावहारिक पहलू वो क्या कहता है कि हमें नाड़ी के जरिए क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। पहला अनुप्रयोग तो ये होता है कि हमें अपनी प्रकृति और विकृति का ज्ञान होता है नाड़ी से। दूसरा हमें रोग निर्णय का ज्ञान होता है नाड़ी से। तीसरा हमें
रोगों से बचाव के लिए यानी फ्यूचर हेल्थ केयर के लिए हमें वहां से निर्देश प्राप्त होता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, उसके बारे में नाड़ी से हमें ज्ञान होता है। और तीसरा, हमें नाड़ी के ज्ञान के आधार पर एक विशेष प्रकार का योग, विशेष प्रकार के रोगी की विशेष प्रकृति के अनुसार बनाने का एक समाधान प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी आयुर्वेद में औषधि रेडीमेड नहीं होती, टेलर मेड होती है, और टेलर मेड औषधि को हम उसके दोष धातु और मलों के आधार पर निर्णय करके उसको बनाते हैं। ये सारा का सारा हमें जो एप्लीकेशन है वो नाड़ी तत्व दर्शन से प्राप्त होता है। तो आइए अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि नाड़ी द्वारा प्रकृति का और विकृति का ज्ञान कैसे होता है। देखिए, यदि नाड़ी सर्प की तरह टेढ़ी मेढ़ी और वक्र भाव में द्रुत गति से अनियमित रूप से चल रही है, और वो कभी पिचक रही है, कभी फैल रही है, कभी आकुंचन कर रही है, कभी प्रसन्न कर रही है, तो समझो कि रोगी वात प्रकृति का है। और ये बड़ी पतली सी होती है, बड़ी द्रुत गति से चल रही होती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे सांप चलता है टेढ़ी मेढ़ी ढंग से, ऐसे ही ये नाड़ी चल रही होती है। सांप का शरीर भी पिचकता है और फूलता है, और ये नाड़ी भी पिचकती और फूलती है, जो वात नाड़ी होती है। तो ये आकुंचन प्रसारण करती है। तो जब नाड़ी पतली हो, इरेगुलर हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तिरछी हो, सर्पवत चल रही हो, तो जानो कि रोग और रोगी वात प्रकृति का है। अब दूसरा, यदि नाड़ी उदक फुदक कर, उछल कुछल कर, मेंड की तरह यानी जिसे मंडूक पुलुति कहते हैं, ऐसे व्यवहार कर रही हो, तो समझिए कि रोग और रोगी पित्त प्रकृति का है। ये पित्त वाली जो नाड़ी अधिक फैलाव वाली होती है, इसका प्रसरण ज्यादा होता है और ये उग्र भी होती है। अब तीसरा जो पहलू आता है कफ वाला, यदि नाड़ी मंद गति से धीरे धीरे मस्त भाव से हंस की तरह, मोर की तरह या हाथी की तरह चल रही हो, तो समझिए कि रोगी अथवा रोग कफ प्रकृति का है। ये थोड़ा सा भारी होती है और थोड़ा सा सुस्त सी होती है। तो ऐसी नाड़ी के ज्ञान से, ऐसे नाड़ी के स्पंदन से हम जो 20 प्रकार के कफ के रोग है उनका पूर्वानुमान कर सकते हैं, और वात नाड़ी से हमें 80 प्रकार के रोगों का पूर्वानुमान होता है, और पित्त नाड़ी से 80 प्रकार के रोगों का पूर्वानुमान होता है। इस ऐसे हम वात पित्त कफ इन दोषों के निर्णय से 140 प्रकार के, लगभग 140 प्रकार के रोगों का निदान करने में सक्षम होते हैं। ये नाड़ी के द्वारा हमें अपनी प्रकृति, जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में ज्ञान होता है। अब हम नाड़ी के द्वारा टेम्परेचर का भी ज्ञान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये दूसरा एप्लीकेशन है। मान लो हमारी नाड़ी का जो स्पंदन है वो 60 प्रति मिनट है, तो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा। और यदि स्पंदन 60 से कम है, तो समझिए कि आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो कम ही होगा और शरीर ठंडा होगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि नाड़ी 60 से कम है तो शरीर का तापमान कम होगा, और कम होने से ठंडा होगा, और शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो कोलैप्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तापमान का ज्ञान कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारी नाड़ी का स्पंदन 80 है, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और यदि हमारा 101 फ़ारेनहाइट होगा, यदि हमारी नाड़ी का स्पंदन 100 है, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा
102 होगा, और यदि नाड़ी का स्पंदन हमारा 120 है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 102 103 होगा। यानी नाड़ी की स्पंदन बढ़ने से तापमान का बढ़ना है, यानी 10 स्पंदन बढ़ने से 1 डिग्री तापमान का अंतर आ जाता है। तो ऐसा करके हम नाड़ी के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर का भी ज्ञान कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है, यदि हमें अपने बीपी को जानना हो तो नाड़ी के द्वारा कैसे जानेंगे? तो आप सीधे नाड़ी पर जाइए और नाड़ी की गिनती कीजिए। यदि नाड़ी का स्पंदन 72 और 74 के बीच में है तो बीपी सामान्य है। यदि नाड़ी का स्पंदन 80 या 80 से अधिक है तो बीपी हाई है, और यदि नाड़ी का स्पंदन 72 से नीचे है तो बीपी लो माना जाएगा। ये बहुत सरल तरीका है। इस प्रकार से आप नाड़ी के द्वारा तापमान का, नाड़ी के द्वारा प्रकृति का, नाड़ी के द्वारा दोष धातु की विकृति का आप ज्ञान कर सकते हैं, और नाड़ी के द्वारा रक्तचाप का भी ज्ञान कर सकते हैं। आपने के सम्मुख मैंने ये थोड़ा सा नाड़ी तत्व दर्शन के विषय में रखा। आशा करता हूँ कि आपको ये नाड़ी तत्व का विषय प्रत्यक्ष हुआ होगा, और इस नाड़ी तत्व के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने अंदर एक समरसता, एक समता, एक बैलेंसिंग, एक रेसिलेंस, एक सहन शक्ति और एक वाइटलिटी को पैदा कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक सुधीजन को नाड़ी तत्व दर्शन का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। आप सभी महानुभाव ने मेरी बातों को इतनी तन्मयता और ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जिस समय सीमा से आगे तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बल्कि 2 मिनट कम, मतलब ये ऐसा नहीं होता, लेकिन लगभग 40-45 मिनट का हम वक्तव्य रखते हैं ताकि हम चर्चा कर सकें। लेकिन जितने वैसे देखो डॉक्टर साहब, आपने नाड़ी के विषय में, हाँ जी, आपने नाड़ी के विषय में पहले ही बहुत कुछ बता रखा है, तो मुझे लगा कि मैं इससे अधिक कुछ और नहीं बता पाऊंगा, और जितना भी मैं बता पाया आप सभी जनों के सम्मुख मैंने रखा है, और आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न, कोई शंका है तो वही आप मुझे रख सकते हैं। मैं वही आप कहने लगा था कि जितने व्यवस्थित रूप में आपने ये प्रस्तुति दी है, वाकई हमें स्पष्ट हुआ कि क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। बाकी तो वो किसी गुरु का, और ये समय है कि हम चर्चा में अग्रसर हों, संवाद में अग्रसर हों। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर रमेश भट्ट जी, उन्होंने अपना हाथ उठाया है, तो वो चर्चा आरंभ करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें, फिर उसके बाद बाकी सब लोग एक एक करके। नमस्कार जी। स्वागत। नमस्कार जी। नमस्ते जी। और आपने बहुत अच्छा नाड़ी विज्ञान के बारे में बताया, अगर ये जो आपने बताया, फिर अपना नाड़ी विज्ञान है बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, और आप तो जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग पहले थे के जैसे MRI करते हैं, ऐसा ऐसा सब मालूम पड़ता था। और मैं आपको बताने से हर्षित हूँ कि आज भी ऐसा एक वैद्य है जो राजकोट के पास गांव में रहता है, कि जो खाली 10 सेकंड नाड़ी पकड़ता है और इतना सूक्ष्म बता देता है कि यहाँ तक बोल सकता है कि आपकी ये आंख की ज्योति कम है, आपका लीवर में ये है, आपका किडनी में ये है, आप ये दवाई ले रहे हैं, आपकी मन की तीव्र इच्छा भी ये है, हर एक अद्भुत उसका ज्ञान है।
वो करीब करीब 85-90 ईयर्स का उम्र का है, और उसका जो गुरु है वो बोलता है कि गिरनार में रहता है, और गिरनार की गुफा में किधर ऐसा रहता है, ये अकेला यही जा सकता है ये उम्र में भी, और वो उसका गुरु का उम्र को 300-400 साल का है, इससे ये नाड़ी विज्ञान मिला है, अद्भुत है वो। मेरा खुद और मेरे कई फ्रेंड्स से ऐसा अनुभव है कि आपको कुछ कराना ही नहीं पड़ता है, एमआरआई वगैरह जो उसमें नहीं निकलता ये पूरा बता देता है। जी, और दूसरा एक बहुत बढ़िया जो विषय है दूत नाड़ी, तो दूत नाड़ी कैसी रहती थी कि आप मानो के बीमार है मगर आप जा नहीं सकते, तो आपके बदले में जो कोई भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड उसके पास जाता है तो उसका नाड़ी उसके पकड़ भावों को वो पूरा उसका बता देता था, संदेश वाहक की नाड़ी को उसके भाव भंगिमा को देखकर रोगी के रोग का अनुमान करना, ये दूत नाड़ी होती है जी। और इसका भी बड़ा माने रावण नाड़ी भी होती है और कणाद नाड़ी भी होती है, तो बड़ा व्यापक विषय है। आजी, आजी। और इंटरनल जो सिस्टम है हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी नाड़ी विज्ञान द्वारा जाना जाता है। और आजकल जो सर्वाधिक रोगों का जो आयास हो रहा है वो AID से रिलेटेड रोगों का आयास हो रहा है, ऑटोइम्यून डेफिशिएंसी डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसको नाड़ी दर्शन से बहुत अच्छे से इसका निदान और समाधान किया जा सकता है, जिसमें डायबिटीज जैसे रोग आ जाते हैं, अर्थराइटिस जैसे आ जाते हैं, कैंसर आ जाते हैं, और फेनेक फॉर्मेशन आ जाता है, ये सभी रोगों का निदान कणाद नाड़ी से कर सकते हैं हम। और रावण नाड़ी से जो मस्तिष्क के रोगों का निदान किया जाता है, और दूत नाड़ी से जैसे आपने बताया बिल्कुल ही बहुत अच्छा विषय रखा, क्योंकि दूत नाड़ी में जो संदेश वाहक होता है उस संदेश वाहक को कहने का ढंग क्या है उसको नोट किया जाता है, उसकी बॉडी की शरीर की भाव भंगिमा को देखा जाता है, और उसके नाड़ी के स्पर्श को अनुभव करके उन स्पंदनों में क्या क्या भाव आवेग हो रहा है उनका पठन करके हम रोगी की स्थिति का सही सही आकलन बता सकते हैं कि रोगी मरणासन है, साध्य है, असाध्य है, अथवा दुसाध्य श्रेणी का है। तो ये दूत नाड़ी से भी संभव है। और हमारे यहाँ भिवानी में एक डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे, डॉक्टर सत्यदेव वासिष्ठ जी, वो दूत नाड़ी में बड़े मर्मज्ञ थे। और वैसे भी जो नाड़ी ज्ञान है ये महती तप और अगाध संवेदनशीलता की अपेक्षा रखता है, इसको इसकी प्राप्ति के लिए महान तप करना पड़ता है और अगाध संवेदनशीलता को विकसित करना होता है, तब जाकर नाड़ी तत्व दर्शन प्राप्त होता है जी। तो हमारा गुरुदेव जो परमहंस योगानंद जी है, जिसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बड़ा फेमस है, उन्होंने बहुत इसमें अपनी जो भगवत गीता है कमेंट्री गॉड टॉक्स विद अर्जुन से बताया है कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्र नाड़ी होती है, वज्र नाड़ी के अंदर चित्रा नाड़ी होती है, और चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है जो एक्चुअली कारण देह का सुषुम्ना बोला जाता है, और वो ब्रह्म नाड़ी है वो हृदय से अनाहत चक्र से यहाँ से निकलती है, वो जो कठोपनिषद में भी लिखा है कि हृदय से 100 नाड़ियां ऊपर जा रही है, 100 नाड़ियां निकल रही, एक ही नाड़ी है कि जो सहस्रार तक जाती है, वो नाड़ी से जब आप कुंडली जागृत होएगा तभी आपको जो अपना मोक्ष जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष अंतिम समाधि में मोक्ष प्राप्त होता है, तो वो प्राप्ति होती है। तो ये मैंने थोड़ा मेरा शेयर किया आपसे और बहुत अच्छा लगा। और अभी डॉक्टर साहब आपने जिसे ब्रह्म नाड़ी के विषय में बताया, हृदय से और मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, एक सिरा उसका सहस्त्रार में खुलता है, दूसरा हमारे हृदय में स्थित होता है, और ये चित्रा नाड़ी से होते हुए हमारी जो ब्रह्म नाड़ी में और अंत में जाकर ये पुरीतत नाड़ी में समाहित हो जाता है। वर्तमान विज्ञान ने इस नाड़ी को अगर हम एपिकल पल्स करके होती है, जो हमारे
ये वर्तमान विज्ञान का जो परिचय है। हाँ जी हाँ अच्छा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फंक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे को नहीं जाना है, फिर भी निकलना पड़ेगा, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, फिर जरूर मुलाकात करेंगे। लेकिन एक सेकंड रमेश जी एक सेकंड, आपसे एक प्रश्न बीच में काला जी ने किया है कि वो जो राजकोट के वैद्य जिनका आपने रेफरेंस दिया, उनका वो सूचना उनकी दे के जाइए आप। हाँ नहीं, अभी मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं अपना एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर उसके बारे में डिटेल होगा। उनका क्या है, हर जगह पे वो फंक्शन लगता है, शिविर लगता है, तो जैसे कोई ऐसा शिविर लगने वाला होगा, मैं आपका ग्रुप में मैं उसको साझा करूंगा। हाँ, उसको अवश्य साझा कीजिए जी। वो सबके काम की चीज है। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम डॉक्टर। धन्यवाद, मैं विदाय लेता हूँ जी। आनंद जी और उसके बाद डॉक्टर सुभाष जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद प्रकाश है और मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, GI4QC, ग्लोबल आईटीएंस फॉर क्वांटम कॉन्शियसनेस। तो उसमें हमारा जो बेसिक उद्देश्य यही है कि जो हमारा एंशिएंट विजडम है उसको कंटेम्प्रेरी साइंस के साथ कैसे हम अपने यूथ के पास पहुंचा सकते हैं। तो मैंने भी आपका जो ये सुना, बहुत ही प्रभावित हुआ आपके इस वर्णन से। प्रश्न मेरा सिर्फ इतना है कि जैसे आपने ये नाड़ी दर्शन बताया पूरा, मैंने हालांकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एज ए यूजर, मतलब हम जैसे, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम इसको कैसे, इसको इससे हम फायदा ले सकते हैं, या सिर्फ ये आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए हैं जो आपने अभी बताया नाड़ी दर्शन का, जितना भी आपने इतना ज्ञान दिया, देखिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आनंद प्रकाश जी, ये कोई बहुत बड़ी विकट समस्या नहीं है कि हम इसको कैसे समाहित करें नाड़ी तत्व दर्शन को। मेरा मानना ये है, और मानना ही नहीं जानना भी है, अनुभव भी है, कि प्रत्येक सुधी जन और प्रत्येक साधारण जन इस नाड़ी तत्व दर्शन का संपूर्ण लाभ उठा सकता है। और इसके लिए करना क्या होता है, आपको प्रतिदिन ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर अपने हाथ की, दाएं हाथ की जो ब्रेकियल आर्टरी है, प्रोकोष्ठिका जो धमनी है, उस पर अपनी वात, पित्त, कफ, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर को सिर्फ रखने का अभ्यास करना है। कुछ नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, पाल्पिटेट नहीं करना है, रोटेट नहीं करना है। वो जो ब्रेकियल पार्ट, वो वाला जो हमारा रेडियल आर्टरी वाला जो पार्ट है, उस पार्ट पर आपको सिर्फ हल्के से अपनी तीनों नाड़ियों को, वात, पित्त और कफ नाड़ी को हल्के से रखना है। हाँ, तो हल्के से आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसा करके ये 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 तरीका रहेगा। तो इसमें आपको केवल स्पंदन को अनुभव करना है, और जैसे ही आप उसको अनुभव करते जाएंगे तो आपको एक सूक्ष्म वाइब्रेशन अनुभव होगा। वो वाइब्रेशन कभी तो पतला होगा, कभी भारी होगा जी, जी, कभी वो फैला वाला होगा। तीन तरीके का आपने बताया, इसमें किसी बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, एक साधारण जन भी इसको जान सकता है। बस प्रतिदिन आप 5 से 15 मिनट दीजिए और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्पंदन आपके सामने प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे डिकोडिंग होती जाएगी। क्या डिकोडिंग होगा, क्योंकि ये जो नाड़ी है ये केवल रक्त का प्रवाह नहीं करती, अपितु ये हमारे दोष, धातु और मलों का भी संवाहक होती है, और इससे भी आगे बढ़कर ये हमारी भावना का, सूक्ष्म भावना का भी संवाहक होती है। करेक्ट। वो सारी स्पंदनों को पकड़ने के लिए ध्यानस्थ मुद्रा में आपकी शरीर की एक स्थिति होगी, आपके मन की एक स्थिति होगी, और शरीर और मन की स्थिति में आपके प्राण की एक स्थिति होगी। जब मन और प्राण एक स्थिति में, एक रास्ता में संचलन करेंगे,
उस वक्त आपका नाड़ी के साथ एक तारतम्य होगा और उस तारतम्य में आपको वो अनुभव प्रकट होगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 5 से 15 मिनट आपको प्रतिदिन देना होगा और आप स्वयं मुझसे संपर्क करके बता सकते हैं कि आपको जो अनुभव होगा वो अनुभव वही होगा जो हमारा शास्त्रों में वर्णन किया है, वो अनुभव वही होगा जो मेडिकल मॉडर्न साइंस हमें बता रही है कि हमारी जो नर्व इम्पल्स कैसे काम करती है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे काम करते हैं और हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है और हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो प्रतिदिन दीजिए, नहीं ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा कि हम स्वयं ही इसको कर सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात कही, बहुत बहुत साधुवाद आपका, मैं आपके संपर्क में आऊंगा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर आशा मुद्गिल जी और उसके बाद डॉक्टर सुभाष जी, मैडम अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने डायग्नोसिस पक्ष तो बता दिया लेकिन उपचार के बारे में थोड़ा आपने बताया नहीं, तो मतलब वो जानकारी भी लाभदायक होती ना कि एक बार डायग्नोसिस तो हो गया उसके बाद कौन से क्वाथ, कौन से क्या क्या होते हैं आयुर्वेद में जिनसे हम अपना लाभ उठा सके। जी जी बहुत अच्छा प्रश्न, वैसे मैंने उपचार के विषय में भी ऑलरेडी बताया है क्योंकि निदानम एव उपचारम, अगर हम समस्या को पहचान लेते हैं तो उस समस्या के पहचान में ही उसका समाधान छिपा होता है। अब देखिए इसको एक उदाहरण से यूं समझिए, जैसे हमारी नाड़ी अगर पतली और द्रुत गति से चल रही है, तिरछी चल रही है, आड़ी टेढ़ी चल रही है तो वात प्रकुपित है, ये बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रतिलोम प्रक्रिया करनी है, जैसे ये वात प्रकुपित हुआ है उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि वात जो शब्द है वो संस्कृत है, शास्त्रीय शब्द है जिसका धात्विक अर्थ होता है वा गति गंधनय, जिसमें गति तत्व और गंधन तत्व विद्यमान होता है वो वात तत्व होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये लोकोमोटिव प्रिंसिपल होता है और ये हमारे सभी मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का संसूचक भी होता है। अब जैसे ही वो स्पंदन करती हुई नाड़ी को आप थोड़ा सा शांत भाव से देखेंगे, शांत भाव से देखते देखते ही वो नाड़ी शांत हो जाएगी और वो सम स्थिति में आ जाएगी, तो उसके निदान में ही उसका समाधान भी हो जाता है। ये सरल प्रक्रिया बता रहा हूं, बहुत भारी भरकम फार्मुलेशन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, ये मेडिकेशंस का एक प्राथमिक स्वरूप मैंने आपके सामने रखा जो हमारे वनवासी ऋषि इसी प्रक्रिया को अक्सर बहुधा प्रयोग में लाया करते थे क्योंकि वो बाह्य साधनों का कम से कम उपयोग करते हुए शरीर से ही और स्वयं के साधनों से ही उपचार करने पर ज्यादा बल देते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वात ज्यादा प्रकंपन में है तो आप शांत भाव से उस वात को देखिए तो उसकी जो गंधनम प्रक्रिया है, गंधनम यानी हिंसनम, जो हिंसात्मक प्रक्रिया है उसका जो वायलेंट नेचर है वो शांत हो जाएगा। जैसे ही वो शांत हो जाता है तो वो जो वात प्रकोपित था उस वात का शमन हो जाता है और ये शमन चिकित्सा का एक अंग है। आशा करता हूँ कि मेरी बात से आपको समाधान मिला होगा। जी जी धन्यवाद, ऐसा नहीं है तो आपको लग सकते नहीं, नहीं बहुत अच्छा, इसका यही मतलब है कि जो लोग मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं वो इसीलिए तो शायद कम बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा धन्यवाद, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने, हाँ जी बाकी पूरा करें आप उसमें, हाँ जी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारा एक फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है नाड़ी को लेके, जो दर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है
वो कॉन्सेप्ट यही बताता है कि जब हम नाड़ी का दर्शन करते हैं तो उस नाड़ी के दर्शन के साथ साथ हम समस्याओं का भी दर्शन कर रहे होते हैं और दर्शन में उसका समाधान भी हो रहा होता है। अब वहां दर्शन की प्रक्रिया में करना क्या होता है, उसमें जो हमारे आध्यात्मिक जो मूल्य होते हैं उन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ अटैच करके ये देखना होता है कि रोग का मूल कारण क्या है। अब जब हम इन अपनी सेल्फ अवेयरनेस को उन आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एक करके जब उस विशेष परिस्थिति को देखते हैं तो वो स्थिति हमें अपने सामने उद्घाटित करने लग जाती है, उसका निष्कूटन होता है और उस निष्कूटन में उसका समाधान होता है। और आयुर्वेद ये कहता है कि प्रज्ञा अपराधो ही मूल रोग कारणमस्ति। वो ये नहीं कहता है कि रोग बैक्टीरिया से पैदा होता है, रोग वायरस से पैदा होता है, रोग फंजाई से पैदा होता है जैसा कि एलोपैथी मानती है और जैसा कि आयुर्वेद भी कहता है वात पित्त कफ के दूषण से रोग होता है। आयुर्वेद अपनी प्रस्थापना को भी लांग कर अपने से ऊपर चला जाता है और वो ये बोलता है कि वात पित्त कफ भी द्वितीयक है। तो रोग का मूल क्या है, जो प्राथमिक कारण क्या है, वो प्रज्ञा अपराध ही है, अनअवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। जब लैक ऑफ अवेयरनेस होती है तो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो कार्य उसको नहीं करने चाहिए और जब वो उसको बीमार करते हैं। अनवांटेड कार्यों को करता है तो फिर वो उनका फल भोगने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। तो वहां से हमारे दोष भी कुपित होंगे और दोष कुपित होंगे तो वहां वायरस भी पैदा होगा। जैसे देखिए कि आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण से सिद्ध करता हूँ, जैसे पानी बह रहा हो, बहता पानी रमता जोगी हमेशा स्वच्छ रहता है, साफ सुंदर रहता है। पानी जब खड़ा हो जाता है तो उसमें सड़न पैदा होती है। पहले सड़न पैदा होती है यानी आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार उसमें दोष पैदा होता है, फिर दोष के बाद वहां पर बैक्टीरिया पैदा होता है, कीड़ा पैदा होता है। आप नाली में कीड़े देखे होंगे, जब पानी खड़ा हो जाता है सड़ जाता है, सड़ने पर उसमें दोष पैदा हो गया, दोष पैदा होने पर उसमें कीड़ा पैदा होता है। तो एलोपैथी जो बहुत बाद में आती है वो बताती है कि बैक्टीरिया से या फंजाई से वायरल से बीमारी पैदा होती है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो वायरस फंजाई है वो दोष के बाद की स्थिति है और दोष जो है वो प्रज्ञा अपराध के बाद की स्थिति के मूल में है, जिसे सांख्य अज्ञान और अविद्या बोलता है। और वैसे आयुर्वेद का आधार भी सांख्य सिद्धांत ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये हमारा एक थोड़ा सा दर्शन शास्त्री पक्ष हुआ नाड़ी का। डॉक्टर सुभजतु जी। डॉक्टर साहब प्रणाम, पूरे समूह को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब आपने अभी हमारे खाने के ऊपर ही पूरा ना जो वक्तव्य बताया, मेरा प्रश्न उसी के साथ है, क्योंकि आजकल की जो हमारी सभ्यता रहने की है उसमें जितना भी हम सामान खाते हैं या तो प्रिजर्वेटिव मिला होता है या पुराना होता है। हाँ जी हाँ जी। जिस कारण से ये सारी जो हमारी शरीर की व्यवस्था है वो दिन ब दिन और जा रही है, क्योंकि पहले हमारा खाना जो होता था वो अगर ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं था लेकिन फ्रेश होता था। अब क्या है कि अब कहने को वो न्यूट्रिशियस है लेकिन पूरा पुराना है। पानी से लेकर के कोई भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिला होगा, यहाँ तक कि फ्रेश फ्रूट का ये पता नहीं उसके ऊपर वैक्स लेयर्स हैं या क्या है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कितना हमारे को लुप्त किया जा रहा है आजकल मार्केटिंग में, उसका कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता। मेरा प्रश्न एक है, हाँ मेरा एक प्रश्न, मैंने आपको वैसे कंटेंट अपना इनवर्ड मैसेजेस में भी डाला है, आजकल आमतौर पे डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि स्टेटिंस खा खा करके अपने कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल करिए। अच्छा, और वो कभी भी ये नहीं कोशिश करते हैं कि कोई भी पद्धति हम ले रहे हैं कि भैया पहले ऐसा करो कि
समझो कि आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपका शरीर बनाता है, लेकिन जो खान पान हम खा रहे हैं। बिल्कुल आपने सत्य कहा, कोलेस्ट्रॉल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक एंजाइम है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसका प्रोडक्शन हमारे लीवर में होता है। जी डॉक्टर, तो अब बट इसका जब डिस्टॉर्शन होता है, हाँ जी जो हम खान पान खा रहे हैं वो खान पान में ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड है, यहाँ तक कि दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध से लेकर के दही, पनीर, मिठाइयाँ, इन सब में भी जो एनिमल प्रोटीन हमारे शरीर में चला जाता है वो बहुत हद तक हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जो एनिमल रिसोर्स प्रोटीन है वो हो सकता है हमारी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज ही नहीं हो पा रहा हो, उसके कारण ही ये एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है। इसके ऊपर मैं आपका थोड़ा व्याख्यान जानना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए आनंद प्रकाश जी, सुभाष जी, आपने बड़ा सुंदर विचार रखा कि जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें डायबिटीज भी है हमारा और जो हार्ट अटैक है, लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्बेंसेस है, वस्तुतः देखा जाए कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण है वो लीवर करता है। बाहर से हम इसको इनटेक करते हैं एक फैट के रूप में, और वो जो फैट है वो उसका जो सोर्स है वो एनिमल भी हो सकता है और वो प्लांट से भी हो सकता है। बट जैसा कि आपने कहा, जो एनिमल सोर्स से हमें जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो शरीर के लिए घातक है, ये बात 100% सत्य है। इसलिए तो अगर आप देख रहे हो आजकल एक वीगनिज्म चला हुआ है, वीगनवाद का कॉन्सेप्ट, और हजार साल पहले जैन दर्शन में तो वीगनवाद को पहले से ही प्रचारित किया गया था। अब चूंकि यहाँ पर एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी पैदा होती है अगर हम वीगनवाद को प्रमोट करने लग जाएं, हालांकि मैं वीगनिज्म के पक्ष में हूँ, बहुत अच्छी बात है, हमें किसी प्रकार का जो एनिमल फैट नहीं लेना चाहिए, वो शरीर के लिए बना ही नहीं है। हमें पौधों से जितना भी फैट प्राप्त होता है, जितना प्रोटीन प्राप्त होता है, वही सफिशियंट है, वही लेना चाहिए। परंतु यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जो लोग अपनी आजीविका के लिए लाइफ स्टॉक पर डिपेंड करते हैं तो उनके लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे बीच में हमें उस समस्या का भी समाधान तलाशना होगा। यदि हमें वीगनवाद को प्रमोट करना है तो उस समस्या पर भी ध्यान रखना है कि जो लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करते हैं, सरवाइव करते हैं, उनके लिए कुछ समाधान देना होगा। और जानतव सोर्स से जिस प्रकार का जो हमें प्रोटीन या फैट मिलता है वो हमारे लीवर को पास करने में, फिल्टर करने में लीवर को डबल वर्किंग करना होता है, और वो सीधा का सीधा ट्राइग्लिसराइड में जाके कन्वर्ट होता है, और ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे हृदय की धमनियों को विकृत करना प्रारंभ कर देता है, और वहीं से हृदय रोगों का प्रारंभ होता है। और अगर हम वनस्पतिक स्रोत से इस तत्व को ग्रहण करते हैं तो वो अच्छे से सुपाचित हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, मेटाबोलाइज होता है, और बाद में मेटाबोलिक जो वेस्ट है वो भी उससे कम बनता है, यानी जो कार्बन फुटप्रिंट है वहां से कम आता है। और इस वजह से हमें पौधों से प्राप्त जो प्रोटीन है, पौधों से प्राप्त जो वसा है, वही ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा तो मानना ऐसा ही है कि हमें जितना संभव हो सके जानतव स्रोत से परहेज ही करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। चलिए डॉक्टर मोहनलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे रोगों से बचा सकते। डॉक्टर मोहनलाल जी, आप सर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, उसके बाद आनंद प्रकाश जी दोबारा, और कोई अपनी बात और रखना चाहें, जैसे डॉक्टर मोहन जी हैं हमारे साथ और प्रोफेसर रमेश वर्मा जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। मोहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अपने को अनम्यूट कर लीजिए अगर। नहीं, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो, बट मैं सुन रहा हूँ, ड्राइव करते करते आवाज आ रही है, जा रही है।
चलिए ठीक है जी। आनंद जी जब तब तक आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद प्रोफेसर रमेश जी। जी थैंक यू। मेरा बस छोटा सा यही क्वेरी था, जो अभी डिस्कशन चल रहा था जो वेगान के ऊपर, तो इसमें एक प्रश्न यही उठता है कि हम जब भी अपनी पुरानी प्रथा देखते हैं उसमें कहते हैं दूध पीना चाहिए, तो एक तरफ तो हम हमारे ऋषि मुनि जो भी घर में बात होती है कि भाई दूध पीना बहुत अच्छा है, दूध पीना बहुत अच्छा है, और फिर जब हम ये जैसे आपने भी चर्चा करी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आप इसको। तो हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि भी गाय का पदार्थ का सेवन करना आवश्यक है, प्रश्न स्पष्ट करेंगे। हाँ प्रश्न यही था जी कि ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट जो है दिमाग में आता है कि एक तरफ हम दूध के बारे में जो बचपन से खड़ा होता है, मतलब बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई दूध पीना अच्छा होता है, दूध से हड्डी मजबूत होती है, दूध तो पीना ही है, और फिर हम जब वेगान का चर्चा होती है तो कहते हैं कि एनिमल का कुछ यूज ही नहीं करना है, पनीर नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, इस पर थोड़ा स्पष्ट करिए महाराज। देखिए पहले तो ऐसा है आनंद प्रकाश जी, हमारी भारतीय संस्कृति कहीं पर भी हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त जो फैट और प्रोटीन है उसको प्रमोट नहीं करती है। आप प्राचीन से प्राचीन साहित्य उठाकर देखें, वहां पर फलाहार का वर्णन है प्रचुर मात्रा में है, और जो दुग्ध सेवन की जो बात आती है वो सिर्फ केवल आपको अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए, और ये कहावत भी बन गई है कि माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में, ऐसा बोलते भी हैं, क्योंकि माँ का दूध ही वास्तविक उसका पोषण है, और वो भी तब तक है जब तक कि वो अन्न और फल को ग्रहण यानी सबस्टिट्यूट को ग्रहण ना करने लग जाए, उसको भी ज्यादा देर तक पीने के लिए अनुमोदन नहीं किया गया है, क्योंकि जो आप को दूध के विषय में एक मैं फैक्ट बताता हूँ, जब दूध हमारी बॉडी में जाता है मेटाबोलाइज होता है तो उसका जो विपाक होता है आयुर्वेद की दृष्टि से जो विपाक होता है मेटाबोलाइज होता है वो अपने पीछे एक ट्रेस छोड़ता है जिसको बोलते एसिडिक ट्रेस, एक कार्बन प्रिंट छोड़ता है, एक उसमें एसिड का निर्माण होता है उसके विपाक होने पर, और जब भी एसिड का निर्माण होगा जहां पर भी जिस स्थिति में उस एसिड को समाप्त करने के लिए तो हमारा जो बॉडी इंटेलिजेंस है वो कैल्शियम को निकालेगा, कैल्शियम को वहां पर भेजेगा जहां पर वो एसिड का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए प्रेरित करेगा, ये बॉडी इंटेलिजेंस है। अब आपने दूध पिया, दूध पीने के बाद उसमें जो लैक्टोज होता है और लैक्टिक एसिड होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, और उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी कैल्शियम को वहां पर भेजेगा, और कैल्शियम कहाँ से लेगा, या तो उसके ब्लड स्ट्रीम से लेगा या हमारी हड्डियों से लेगा। अब आपने देखा होगा जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैंने हरियाणा के लोगों को देखा, बड़े रेसलर टाइप में होते हैं, डिल डोल वाले होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे देखने में आए हैं उनको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, उनके पाओ की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी तीर कमान की तरह हो जाती है, ऐसे सैकड़ों रोगी मैंने अटेंड किए हैं। अब वो इतना दूध पीते हैं, इतना पनीर खाते हैं, उसके बावजूद भी ऑस्टियोमलेशिया कैसे हो गया उनको, इसके बावजूद भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो गया जिसको अस्थि मृदुता बोलते हैं, उसके पीछे जो कारण है ये जो एनिमल सोर्स से जो हम प्रोटीन्स ले रहे हैं वो एसिडिक होता है, एसिड को एसिमिलेट करने के लिए वहां कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम वो हड्डियों से लेते हैं, और जब हड्डियों से लिया जाता है तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती है और ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसीलिए फलाहार की बात की है हमारे ऋषियों ने। उन्होंने लेकिन ये गाय के दूध का कैसे, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसका तो परंपरा भी है और विज्ञान में भी वो A2 प्रोटीन और ये उसकी बातें करके हम गाय के दूध का तो समर्थन करने लग गए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, विज्ञान की बात को अगर माने तो विज्ञान तो नॉन वेज को भी प्रमोट करता है, वो कहता है कि आपको लेना चाहिए, लड़ने से लेना चाहिए, उसमें बेस्ट होता है प्रोटीन,
और जल्दी एसिमिलेट हो जाता है। हाँ जी, विटामिन B12 भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो नॉन वेज लेते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ऐसा बोल के वो प्रमोट करते हैं उन चीजों को। गाय के दूध का जहां तक सवाल है, ये मैं मानता हूँ जो उत्तर वैदिक काल में जब कृषि कर्म प्रारंभ हुआ तब ये कॉन्सेप्ट आया है, जो पूर्व वैदिक ऋग्वेदिक काल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि यज्ञ में जो है ना पायस उसका निर्माण और उसका वितरण, चलिए इस विषय को थोड़ा सा अभी रहने देते हैं। लेकिन एक शोध का विषय है, बस मुझे लगता है ही नहीं, और मेरा अध्ययन भी है इस विषय में कि ऋग्वेदिक काल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वो सिर्फ माँ के दूध का ही प्रावधान था और फलाहार का ही प्रावधान था। चलिए इसको देख लेंगे। नहीं सर, ठीक है, आपने 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 जैसा कहा कि ये शोध का विषय है, कई विचार हैं इसमें, लेकिन जो आपने कहा कि कॉन्सेप्ट लेवल पे आपने जो समझाया कि वो एसिडिटी एसिडिक व्यवहार रहेगा और उसको हमारे उसको कैल्शियम को वहां से कंज्यूम करेगा, तो ये तो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। एक्चुअली हम कह रहे हैं कि वो कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है जबकि वो तो कैल्शियम को कंज्यूम कर रहा है, तो ये बड़ा एक तरह से 180 डिग्री डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन धन्यवाद सर, चलिए जी। डॉक्टर मोहन जी पहले जी। मेरा एक हमारे शास्त्रों में भी घी के बारे में कहा है कि ये घी से आयु बढ़ती है, तो ये तो रिटर्न इन मेनी अवर ओल्ड टेक्स्ट। हाउ डज, आप इसका क्या जवाब देंगे? हाँ देखो, वैसे जो घी है, अभी आ रही है जी? हाँ जी आ रही। जो घी को आयुर्वेद ने भी मेध्य कहा है कि मेधा शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की चेन होती है, जो प्रोटीन्स होता है, ये प्रोटीन्स हमारे न्यूरॉन्स को विशेष तरह का स्टिमुलेशन प्रदान करता है। लेकिन आयुर्वेद की जो प्रवृत्ति ग्रंथों में कुछ मांस रस और अनूप रसों का भी विधान किया गया है। अब मैं आयुर्वेद की संहिताओं की बात करना चाहूंगा, तो उसमें जहां तक कुछ चर्क का जो पूर्ववर्ती संस्करण है वो तो कम से कम इस तरह के पदार्थों के उपयोग के विषय में कोई प्रमोट नहीं करता। हाँ, लेकिन वो जो हम वाक्य पढ़ते हैं आयुर्वेद घृतम, तो उस तरह के वाक्य भी पढ़ने को मिलते हैं हमें। हाँ, मिलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ जो घृत शब्द से अगर हम अर्थ ग्रहण करें तो घी भी लिया जा सकता है, और घृत का मतलब स्नेह भी होता है, स्नेह का मतलब दुलार और प्यार भी होता है, तो प्यार और दुलार से भी तो हमें मेधा वृद्धि मिलती है, स्नेह से भी हमारा पोषण होता है, तो ऐसा भी हम ले सकते हैं इसको। उसको रूढ़ मानकर ना चले। और उसके बाद प्रोफेसर रमेश जी, सुभाष जी आप अपनी बात कहें। चर्चा बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा डॉक्टर साहब से सिर्फ उन्हें अनुरोध है कि उन्होंने हमें एक सही रास्ते पे ले आए, वो हमें जहाँ पे उन्होंने पूर्ण विश्लेषण दे दिया कि हमें माँ के दूध के बाद तो बाकी दूध पीने का जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में या कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि घी खाने से ऐसा या वैसा होता है, हमारे ग्रंथ तो 6,000-7,000 साल से लिखते आ रहे हैं। इसी मोमेंट पे जब हम वॉरियर फेज में थे तो हो सकता है उस वक्त उनको ये जरूरत पड़ी होगी कि हमें एडिशनल पावर और ह्यूमन मसल बढ़ाने के लिए घी का या मीट सूप का सेवन करना पड़े। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी आप खाने की पद्धति ही उसके लिए बदल दीजिए। आप पर्टिकुलर जैसे हम आजकल कहते हैं कि भाई चावल खाने के टाइम पे अगर हम सिर्फ औरतों को चावल ही खाने देंगे लेकिन उसके साथ आयरन नहीं दे देंगे, तो सिर्फ चावल खाने से उनका शरीर चल नहीं पाएगा जब तक उसने आयरन भी नहीं होगा, क्योंकि आयरन डेफिशिएंट होता है राइस। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस कारण से तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस विषय में
कहां पर किस पर्टिकुलर वर्कफोर्स के लिए डाइट को रिकमेंड करना है? अगर हम जैसे साधारण लोग हैं जो दिन में ज्यादा मानसिक क्रिया शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो हमारे फौज में है, जो हमारे पुलिस में है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनके लिए डाइट अलग से दे दीजिए आप। जहां तक डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि हमारी जो पद्धति है विश्व में खाने की, उसमें जो लोगों की बिजनेस एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे हैं, उनका हम क्या करेंगे? हम उनको रोक नहीं रहे, क्योंकि हम ये विज्ञान उसके लिए नहीं बांट रहे हैं जो बेचारा समुद्र के किनारे पे बैठा है और सिर्फ मछली पा सकता है। मगर उनके लिए हम कह सकते हैं कि जिनके पास एबंडेंट फूड है और जो साइबेरिया में आदमी रह रहा है, हो सकता है उसको फिर अगर हम दाल का पानी दे देंगे तो वो उस पर जीवित भी ना रह पाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो वैश्विक स्थिति के हिसाब से तो अलग अलग रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन इनका ये सटीक एनालिसिस है ये कि हमें माँ के दूध के बाद और किसी सोर्स से पीने का जरूरत नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। प्रोफेसर रमेश जी नमस्कार आप सभी और खासतौर पर वक्ताओं को जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, और आशुतोष जी को भी जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको प्रोवाइड की है। नो डाउट कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिली हैं और बहुत सारे विचारणीय भी हैं। खासतौर पर दुग्ध के इशू पर हम सब थोड़े कंफ्यूज भी महसूस कर रहे हैं, पर सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे कमेंट देना चाहूंगा। जो हम ये देखते हैं दुग्ध वाली बात उठी है इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम सब ने महाभारत भी पढ़ा है, सुना भी है, और उसके अंदर हम देखते हैं काय चिकित्सा शांति पर्व में उनका वर्णन आता है, आत्रेय पुनर्वसु का भी, जिनकी जिक्र जो है जिनका चरक संहिता में भी जिनको ऊपर वो काफी वर्णन मिलता है, याज्ञवल्क्य काफी शब्द होते हैं ब्राह्मण में भी, और सुश्रुत संहिता तो हम सब जानते हैं। तो इससे लग ही रहा है कि हमारी आयुर्वेद की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, इसमें कोई शक ही नहीं रही। जैसे बहुत सारे श्लोक आपने उपनिषदों में से भी दिखाए हैं, तो परंपरा लंबी रही है, गहरी रही है, और आज सौभाग्य दुर्भाग्य से दोनों तरफ से हम ये देखते हैं कि बढ़ भी रही है, लेकिन काफी समय तक हम इससे वंचित भी रहे, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच है और ये एलोपैथी के यानी प्रभाव में हमने बहुत कुछ इसमें खोया है और हमने रोग अपने बढ़ा लिए हैं, बहुत सारी चीजें नहीं सही हैं। खासतौर पर आपके दो कमेंट जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक तो शाकाहार बहुत आवश्यक है इसके अंदर बने रहना, और मांसाहार को हम जितना दूर रखें उतना ही अच्छा होगा। तीसरी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपने ज्ञान अपराध की बात की है, ये मैं जोड़ नहीं पाया था, बट हम समझते जरूर थे, लेकिन इसका लिंक आयुर्वेद के साथ कैसे है कि सारे दोषों का रोगों का मूल ही यहीं पर है, प्रज्ञा अपराध। हम सभी अक्सर हम ऑल ऑफ अस कोई इसमें बचा नहीं होगा, अपने मन से इतना ग्रस्त है जो हमें भूत और भविष्य के साथ ही लपेट के रखता है, और वर्तमान में अवेयरनेस हो नहीं पाती, जिसका एकमात्र उपाय आज के युग में हमें कहा जाता है कि किसी भी ढंग से ध्यान साधना की जाए, वो बॉडी को बैलेंस में रखता है, उससे हमारे बहुत सारे कुकृत्य भी नहीं होंगे, तो एक इस समाज के लिए भी उपयोगी है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका प्रचार, इसका बढ़ावा हम हर लेवल पे जान दे पाए उतना कम है। लेकिन मेरे जो पर्सनल है प्रश्न, वो एक तो आपने वाद के बारे में की है और इसका अर्थराइटिस से के साथ क्या संबंध है, इस मामले में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है घुटनों पे, ये मेरा पर्सनल इशू है। दूसरा, मैं कभी, क्योंकि कुरुक्षेत्र मेरे ससुराल भी रहा है, तो कभी आने का मौका मिला तो आइए, स्वागत है आपका मोहन नगर महाराजा अग्रसेन चौक संपूर्ण स्वदेशी केंद्र। जरूर, मैं आपके एड्रेस ले ये देना चाहूंगा। मोहन नगर, स्वागत है आपका। मोहन नगर, मैं फोन नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। जरूर जरूर, धन्यवाद जी। और जो मेरी जिज्ञासा है वो थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी है, क्योंकि हम ये भी ये सुनते रहे हैं कि आयुर्वेद का ज्योतिष के साथ बहुत गहरा संबंध है, कि क्या हम व्यक्ति की कुंडली देख करके भी उसके ये रोगों के बारे में जान सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरा, ज्योतिष में जो आशुतोष जी ने भी जिक्र किया था कि वो आड़ी नाड़ी आदि अंत और ये मध्य नाड़ी का जो वर्णन है, मध्य क्या उसका कुछ वात पित्त से ये संबंध है, क्योंकि यही हम सात राज तम सांख्य में भी देख रहे हैं, हर जगह हमें तीन तीन चीजें नजर आ रही हैं, और आपने जैसे जिक्र किया है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, क्या ये भी हमारे इन्हीं दोषों के साथ या जो भी हमें कहा जाता है गुणों के साथ इनका संबंध है, एक तो ये चीज मेरी जिज्ञासा है।
और एक जिज्ञासा छोटी सी और है, क्योंकि बीच में आपने स्वरोदय का भी थोड़ा उल्लेख किया है। जब हम शिव शरोदय पढ़ते हैं उसमें मुझे खुद कभी नहीं समझ में आया, वो दिन में पांच तत्वों के प्रभाव का जिक्र भी करते हैं, तो क्या पांच तत्वों का भी ये नाड़ी के साथ संबंध है, और क्या हम दिन भर अपने स्वरों को वाच तो कर सकते हैं लेकिन तत्वों को कैसे पहचाने कि उस किस समय कौन सा तत्व अधिक प्रभावशाली है? ये मेरे दो तीन छोटे छोटे प्रश्न है, कृपया इस पर। जी देखिए डॉक्टर साहब, आपने जैसे ज्योतिष और आयुर्वेद, वैसे तो हमारे संहिता ग्रंथ जब आयुर्वेद का विविध रूप से प्रकाशन करते हैं तो वो ऐसा रखते हैं कि काय बाल क्रौ ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रांग जरावृषान अष्टावंगानी तस्याहुर चिकित्सा येषु संस्कृतः। यानी जैसे योग के आठ अंग है वैसे ही आयुर्वेद के भी आठ अंग हैं। योग और आयुर्वेद का चोली दामन का साथ है, और इनके आचार्य भी वो एक ही हैं। जैसे आप चरक को अगर पतंजलि से तुलना करना चाहें, बहुत विद्वानों ने तुलना की है कि चरक ही पतंजलि है, या पतंजलि ने ही आयुर्वेद शास्त्र का प्रणयन किया, ऐसा भी कुछ बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि विभिन्न समय में विभिन्न कालों में अलग अलग चरकाचार्य हुए हैं, योगाचार्य हुए हैं, लेकिन एक बात निर्वाद रूप से सत्य है कि जो पतंजलि है उन्होंने तीन विषयों पर बड़ा गहन शोध किया था। प्रथम उन्होंने कहा कि मनोवाक काय दोष निवारणार्थम रचितोयम त्रोग्रंथः महामुनि पतंजलिना। मन का दोष निवारण करने के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की महाभाष्य के रूप में, और काया का दोष निवारण करने के लिए आयुर्वेद शास्त्र की रचना की, और मन का दोष निवारण करने के लिए योग शास्त्र की रचना की। तो ऐसा पतंजलि जी के विषय में कहा जाता है। अब उन्होंने जब योग का विभाजन किया तो आठ अंगों में किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और आयुर्वेद का भी आठ अंगों में उन्होंने विभाजन किया। उसमें काय चिकित्सा आ जाती है, जो मेडिसिन आती है हमारा, और बाल चिकित्सा आ जाती है पीडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा, जो ग्रह चिकित्सा जो आप जिसको ज्योतिष बोलते हैं, इस ज्योतिष का ग्रहों से भी संबंध है और इस ज्योतिष का हमारे स्वर से भी संबंध है, क्योंकि जो स्वर का संबंध है वो कहीं ना कहीं नाद से संबंध है, और जो नाद है उसका कहीं ना कहीं बिंदु से संबंध है, और बिंदु है उसका स्पेस टाइम से भी रिलेशन है। तो यहाँ स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो बड़ा प्रगाढ़ विषय हो जाता है। तो उसमें जो ज्योतिष की बात उन्होंने रखी है वो स्वरोदय विज्ञान के साथ अटैच करके रखी है, स्वर विज्ञान के साथ अटैच करके रखी है, और हम ज्योतिष के माध्यम से अपने शरीर के दोषों की स्थिति को, शरीर की धातुओं की स्थिति को, शरीर के मलों की स्थिति को यथावत जानकर उनका यथावत निदान और समाधान कर सकते हैं। तो ऐसा वहां स्पष्ट वर्णन है अष्टांग आयुर्वेद में। जी दूसरा आपका क्वेश्चन आपने क्या पूछा था थोड़ा सा मुझे बताएं। सौरोदय विज्ञान जो शिव सूत्र है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि सारा दिन 24 घंटे जो है उसमें पांचों तत्व बारी बारी कौन सा तत्व प्रधान है, उसका कैसे प्रधानता को जानने के लिए उसको कैसे जानना। देखिए इसमें शुक्ल अशुक्ल दो प्रकार के धर्म होते हैं तत्व के। जब आपका शरीर बहुत भारीपन महसूस कर रहा हो तब आपको उसमें क्लेद भाव आ रहा हो तो आपका पृथ्वी तत्व वहां प्रधानता में होगा। जब आप हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं तो आपका आकाश तत्व प्रधानता में होगा। जब आपकी शरीर की एक्टिविटीज, आपके मनस की चिंतन प्रक्रिया की एक्टिविटीज द्रुत गति में है तो आपका वायु तत्व प्रधानता में होगा। और जब आपका शरीर उष्णता को, तीक्ष्णता को अनुभव कर रहा होता है
तो आपके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। और जब शरीर सुमेलित होता है, संगठित होता है शांत जैसी स्थिति में, तो जल तत्व की प्रधानता होती है। ऐसा करके आप इनको अनुभव कर सकते हैं और इनका स्वर स्वर से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको एक अपना निजी अनुभव शेयर करना चाहता हूं। जब भी मैं बैठता हूं एकाग्र होके, तो आपने कभी नोटिस किया होगा दिन भर में हमारे स्वर बदलते रहते हैं। कभी सूर्य स्वर चलता है, कभी चंद्र स्वर चलता है। और उस वक्त जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो हमारे में उग्रता होती है, तीक्ष्णता होती है और हमारी पाचन शक्ति भी बड़ी तीव्र होती है। और जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा होता है तो हमें थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है और हम थोड़े शांत शांत से होते हैं। थोड़ा सा हल्का गुरुत्व भी होता है, गुरुत्व भाव जैसा भी होता है। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि अचानक मेरे दोनों स्वर एक हो गए। जैसे ही दोनों स्वर मेरे एक हुए तो मुझे अपनी निद्रा का प्रत्यक्ष हुआ। यद्यपि निद्रा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि निद्रा का स्पष्ट अनुभव होता है। सोने के पश्चात जब हम उठते हैं तब कहते हैं सुखा अहम स्वाप्सम, मुझे बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे निद्रा का प्रत्यक्ष होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में सरक रहा हूं, गहराई में जा रहा हूं स्टेप टू स्टेप। उस वक्त मेरे जो स्वर की जो स्थिति है वो एक हो जाती है, यानी ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र स्वर एक रस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि एक शास्त्रीय भाषा में कहें तो कि मैं सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता हूं और वो जो सुषुम्ना नाड़ी है उनको बैलेंसिंग देती है, वो हमें एक साक्षी भाव देती है, हमें वो शांतता का भाव, सात्विकता का भाव देती है। और उस सात्विकता के भाव में हम स्पष्ट दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि साक्षी भाव से तो आप दर्शन कर पाएंगे। अगर साक्षी भाव में नहीं है, आइडेंटिफाइड है आप किसी भी फेनोमेना के साथ, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो विवेक बुद्धि भी जो उपलब्ध होती है वो सुषुम्ना में नाड़ी में स्थित होने पर ही होती है। ये मेरा अपना अतिशोक्ति नहीं है डॉक्टर साहब, ये मेरा अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। और जब भी मैं इस अनुभव में जाता हूं सब कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है और एक विशेष प्रकार की ध्वनि मेरे कभी दाएं कान से आती है, कभी बाएं कान से आती है। वो ध्वनि थोड़ा सा आती है और उसके साथ साथ एक शून्यता का भाव भी आ जाता है मन मस्तिष्क में, ऐसा मुझे अनुभव होता है। ये स्वर विज्ञान के लिए मैंने कोई अलग से प्रयास तो नहीं किया, लेकिन ये ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में स्वतः ही घटित हुआ। और ये बात पकड़ में आ गई कि देखो जो स्वर हमारे कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है, अभी एक चल रहा है। और जब ये एक चलता है तभी हम शांत भाव को प्राप्त होते हैं, तभी हम एकत्व भाव का अनुभव होता है, तभी हमारे अंदर वो समरसता आती है, तभी हमारे अंदर वो वाइटलिटी आती है, तभी हमारे अंदर वो साक्षी भाव आता है। और ये मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है। आप भी अगर स्वरोदय विज्ञान पर थोड़ा सा अभ्यास करें, अगर आपके दोनों स्वर एक साथ हो जाएं तो समझना कि आपका सुषुम्ना में प्रवेश हो गया। तो आप देख सकते हैं ये कोई लिखा लिखी की बात नहीं है, देखा देखी की बात भी है और आप देख भी सकते हैं, आपके पास वो सभी संसाधन मौजूद है और प्रत्येक देख सकता है इसको। तो तीसरा आपका क्वेश्चन एक और था, मैं समझता हूँ कि आप छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जो हम ये आदि नाड़ी का जो है ना ज्योतिष में आदि मध्य और अंत नाड़ी का पढ़ते हैं, इसका कोई लिंक है ये अपना वात पित्त कफ से? देखिए जो वात है वो हमारे बॉडी के अंदर एक मेजर प्रोसेस है हमारी बॉडी का, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जितनी प्रकार की गतियां हमारे शरीर में हो रही है या ब्रह्मांड में और यद पिंडे तद ब्रह्मांड के अनुसार जो भी गतियों का जो गति का जो प्रिंसिपल है, तो वो सारा का सारा प्रिंसिपल वो वात प्रिंसिपल से अटैच करता है। और जो गति का जो कारक है वो द्वंद है, जो इंटरेक्शन है, जो क्वांटम फ्लक्स हो रही है, क्वांटम फ्लक्चुएशन जो चल रहा है, उस क्वांटम फ्लक्चुएशन से गति पैदा होती है और गति से सृजन होता है, वहीं से ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा से सभी वस्तुएं प्रकाश में आती है, प्रकाशित होती है, मेटेरियलाइज्ड होती है,
द्रवीभूत होती है, यानी द्रव्यमान उसके अंदर जो संगलित होता है, वो सारी की सारी चीजें वो गति से आती है, क्योंकि गति अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है और बड़ा वैज्ञानिक शब्द भी है। महर्षि पाणिनि ने इनका जो निष्पत्ति दी है, उन्होंने बताया कि गतिश त्रयो अर्था भवन्ति ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। गति के तीन अर्थ होते, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। और इसी तरह से ज्ञान शक्ति होती है, और इसी तरह से कर्म शक्ति होती है, और जो प्राप्ति है वो इच्छा शक्ति के अंतर्गत आती है। तो ये तीन शक्तियों का भी इसमें समावेश हो जाता है। तो ज्ञान, कर्म और जो प्राप्ति है, ये गति के तीन स्वरूप है, एक ही तत्व के तीन एस्पेक्ट्स है। हाँ जी, तो आप जानना चाह रहे थे कि इसमें, हाँ हाँ, जो आप ये जानना चाह रहे थे कि इसका जो तत्व से क्या संबंध है, जो वात है, वो वात हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार के भी जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, उसको संतालन करती है जो हमारी आदि नाड़ी है। और जो मध्य नाड़ी है, ये हमारे पित्त से कॉरस्पॉन्ड करती है। जो पित्त तत्व है, वो हमारा एंजाइम का एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो ट्रांसफॉर्म करता है, जो चीजें हम इंजेस्ट करते हैं वो डाइजेस्ट होती है, फिर वो अब्सॉर्ब्ड होती है, फिर एसिमिलेट होती है, फिर एसिमिलेशन से उसका एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो तत्वों के रूप में हमारे शरीर में सहायक होती है, यानी सप्त धातुओं के रूप में वो आती है। और जो अंत्य नाड़ी है, वो कफ के रूप में है, जो इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है, एक बाइंडिंग फोर्स का काम करती है। तो जो अंत्य नाड़ी है, वो एक किस्म की बाइंडिंग फोर्स है, और वो कफ को रिप्रेजेंट करती है। और जो कफ होता है, कफ का जो गुण धर्म है, ये कफ शब्द जो है वो श्लेष्मा से लिया है, श्लिष्ट करती है, किसी चीज को बांधती है, गूंथती है। और वैसे जो जल शब्द है इसके लिए, वो जल घातने धातु से बना है, जिसका मतलब है संघात करना, किसी चीज को कंपोजिट करना, एग्रीगेट करना, उसको जोड़े रखना। जो ये कफ है, जो अंत्य नाड़ी, ये कफ को रिप्रेजेंट करती है। और वो ये वात और पित्त, यानी आदि और मध्य, दोनों नाड़ियों के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम करती है। आशा करता हूं कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया होगा। धन्यवाद। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो अभी साझा कर सकते हैं, नहीं तो हम आज इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। यदि किसी का कोई टिप्पणी हो, रोहित सिंह जी, काला राय जी, डॉक्टर, मैं बोल सकता हूँ सर? जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपको जो एक बीच में प्रश्न हुआ था कि हमारा अगर वेगन डाइट पे शिफ्ट करते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो हमारे ऑर्गन, जो हमारा अपेंडिक्स है, चूंकि ये वेस्टिजियल हो गया है, इसके कारण से हमारी ये त्रुटि हो रही है कि हम अगर वेगन डाइट पे आते हैं तो फिर हमारा विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म में डेफिशिएंसी हो जाती है? क्योंकि जितने शाकाहारी हमारे जानवर हैं, गाय से लेकर के हाथी तक, उनको कोई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं हो जाती। देखिए, वैसे ये भी एक नैरेटिव फैलाया गया है कि जो शाकाहारी होते हैं उनको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नैरेटिव ही है। जो शाकाहारी भोजन करने से भी हमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में, विटामिन B12 और विटामिन डी, ये सभी हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। और जहाँ तक अपेंडिक्स का सवाल है, वो कोई एक फिजूल का अंग नहीं है, उसकी उपयोगिता है। वो हमारा जो इंटेस्टाइनल प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो हमारी आंतें हैं वो ब्रस्ट अप होने की संभावना बढ़ जाएगी, या हर्निया, जो हर्निएशन बोलते हैं, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पर। तो वो अभी भी वो कार्यरत है, उसको हम ये नहीं कह सकते वो फिजूल का अंग है। और पशुओं में तो वो उसका कार्य बड़ा शीर्ष का है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो अपना एक विशेष रोल अदा करता है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल प्रोसेस को मेंटेन करता है। चलिए, ठीक है, तो चलिए अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जो मैंने
कुछ रखा थोड़ा संक्षेप में डॉक्टर साहब बताएं। नहीं हाँ जी नहीं, मुझे आपके सभी प्रश्न उत्तरों से जो मेरे प्रश्न थे आपके उत्तरों से लाभ तो हुआ ही है, लेकिन मैं चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहता था कि मैं सोचा कि सभी मित्र लोग परेशान भी होंगे। अभी जैसे आपने आदि मध्य अंत कहा है बात के तो आपके साथ दिया, ये मैंने पहली बार सुना है, इसके धन्यवाद। सर मेरा एक प्रश्न है। हेलो जी जी हेलो तो जी सुने कंटिन्यू मैडम बबीता एक सेकंड रुकिए। जी जी डॉक्टर साहब तो मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहता था। एक तो कि जो आपने आदि मध्य अंत का वाद पेद कब से इतना सुंदर एक लिंक बनाया है, जैसे हम जानते हैं कि ये जन्म समय पे चंद्रमा का नक्षत्र डिसाइड करता है कि किस नाड़ी में जन्म हुआ, तो क्या हम इस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर दोष या वाद पेद कब उसका ज्यादा डोमिनेट करेगा है या करप्ट हो सकता है यदि चंद्रमा पे माप प्रभाव हो। एक तो ये था। दूसरा प्रश्न मेरे आपके तत्वों जो आपने बॉडी की स्थिति के मुताबिक बताया वो भी आनंददायक था, लेकिन इसी के साथ ये भी मैं जब मैं पढ़ रहा था शिव ये स्वरद है उसमें वो लिखते हैं कि समय के अनुसार यानी सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक भी ये पांच तत्व बारी बारी सर सभी ये डोमिनेट करना शुरू करते हैं, शायद इसीलिए तो कौन सा समय क्या क्रिया करनी चाहिए उसके साथ इसका कुछ संबंध हो। तो ये दो मेरी जिज्ञासा अभी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके जवाब है वो मेरे को एक नई दिशा दे रहे हैं आगे विचार करने पर। हमें ये चाहूंगा कि इसी श्रृंखला को एक और एपिसोड में कवरअप किया जाए। जरूर जरूर बहुत अच्छा, तो ज्यादा विस्तार से चर्चा हो पाएगी समय अभाव की वजह से। ठीक है, और मैं आपका नंबर जो है डॉक्टर साहब के साथ साझा कर दूंगा कि इस चर्चा को आप लोग आगे अग्रसर भी करें। जी मैडम बबीता जी। हाँ सर मेरा एक प्रश्न है। सर्वप्रथम तो मुझे आपका ये जो संवाद है और ये इस पर नाड़ियों पर जो शोध है या जितना भी ये नॉलेज है मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। फ्रॉम बिगिनिंग टू 72,000 नाड़ियाँ, उसके बाद में आपने बताया कि हमने विशेष रूप से 14 नाड़ियाँ होती है और उसके बाद हमने वीणा पिंगला और सुषमा करके हमने 3 नाड़ियों में विभाजित किया और उसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं ध्यान अवस्था में जाते हैं तो हम नाड़ियों का अनुभव कर सकते हैं और उन्हें साम्य अवस्था में ला सकते हैं और गंभीर जो बीमारियां हैं मधुमेह रोग है अन्य बीमारियां आर्थराइटिस लाइक अदर डिजीज तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो अनेक जो महान महापुरुष हुए लाइक रामकृष्ण परमहंस तो वो अनेक बार समाधि अवस्था में गए हैं लेकिन उनकी मृत्यु गले के कैंसर से हुई। स्वामी विवेकानंद उनकी मृत्यु मधुमेह से हुई। वो 18 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे। संपूर्ण ब्रह्मांड का विवेकानंद जी 18 बीमारियों से ग्रस्त थे और डायबिटिक पेशेंट थे जी वो। तो सर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क में शरीर में अनुभव किया हो और फिर वो ये मधुमेह रोग से ही गए थे डिस्कन्फर्म और फिर ये मुझे थोड़ा सा ऐसा क्यों हुआ? आप ये जानना चाह रहे हैं ऐसे महान योगियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसका सीधा सा अर्थ है, जब कोई योगायूढ़ आत्मा होती है तो उसका ऊपर की चक्रों पर स्थापन हो जाता है और नीचे के चक्रों से उनका जो संबंध है वो लगभग लगभग विच्छेद होने लग जाता है और जब चेतना ऊपर के चक्रों पर स्थापित होने लग जाती है तो नीचे के जो चक्रों पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा उनको मिल नहीं हो रही होती है और ऐसी अवस्था में उस अंग के रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए अगर आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद अगर मैं आपसे कोई मानसिक चिंतन या मेंटल वर्क करने के लिए कहूँ तो शायद आप उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा साफ उत्तर ये होता है कि जो एनर्जी आपके ब्रेन को चिंतन मनन के लिए चाहिए वो एनर्जी पेट में चली जाती है भोजन पाचन के लिए।
तो वहां स्कार्सिटी हो जाती है और वहां उस चीज का जो है ना अंग है जो है वो कार्य अक्षम नहीं रहता। तो ऐसा कुछ इन योग पुरुषों के साथ भी हुआ है कि उनकी जो चेतना थी वो ऊपर के केंद्रों पे आरोहण कर गई थी और जो नीचे के केंद्र थे वो ऊर्जा के अभाव में थोड़ा रोगग्रस्त हो गई। तो ये आप इस तरह से इन चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा आशा करता हूँ कि आप शंका समाधान हुई होगी। हाँ सर कुछ हद तक हो गया। ठीक है। प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, प्रोफेसर राम नारायण जी अगर आप नहीं तो रमेश जी का अंतिम वक्तव्य लेके फिर हम धन्यवाद करेंगे। मैं इसमें लाल जी ने नहीं बोला जी कुछ, मैं एक छोटा सा लेकिन तब जी रमेश जी मैं इसमें छोटा सा कमेंट बबीता जी के क्वेश्चन में देना चाह रहा था। बहुत अच्छा सुंदर जवाब जो है इन्होंने दिया है अपना शर्मा जी ने। लेकिन इसमें एक छोटी सी ऐड करने वाली मेरे मन की बात है, इसको हम निश्चित करें तो कैसे करें केवल बहुत उच्च कोटि के विद्वान जाने बता पाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी जैसे जो लोग रहे हैं वो मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे, यानी शायद उनका ये अंतिम जन्म होगा। तो उस अंतिम जन्म को यदि हम स्वीकार करते हैं तो पिछला प्रारब्ध जो थोड़ा, क्योंकि हम हमने कर्मों को तीन हिस्सों में ये बांटा है, प्रारब्ध है, संचित है और क्रियमान है। क्रियमान तो उनके शुद्ध दिख ही रहे हैं वो ऑब्वियस है, और संचित उनका लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन प्रारब्ध जो इस जन्म का शुरू हो चुका है वो तो उनको भूखे निकालना है। एक तो ये कारण है जो किसी न किसी फॉर्म में शायद ये बीमारियों के माध्यम से निकलता हो। एक बात और भी है, इन लोगों ने अनंत लोगों पे कितने लोगों पे कृपा की होती है, और जैसे उनका तो रामकृष्ण जी का तो वर्णन ही आता है जब वो क्या थे उनके जो वो मैनेजर थे ये रानी रासमती के, उनकी पत्नी को प्रॉब्लम हो रही थी तो वो बड़े ये परेशान रहे और रामकृष्ण जी ने उन्हें कहा कि अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके बाद वो पत्नी थोड़ी ठीक होती रही उनके, और खुद रामकृष्ण जी एक दो हफ्ता उन्होंने उसको जो बीमारी को भोग करके जैसे भी कहो उसको उसका किया है, वो एक्सचेंज है समथिंग लगता है। तो प्रारब्ध और लोगों पर कृपा के माध्यम से जो उन्हें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि हम सब पापी शब्द जरा स्ट्रांग हो जाएगा बट हम सब लोग कहीं ना कहीं विशेष काम करते रहते हैं, तो उन पर जब इतने उच्च कोटि के लोगों की कृपा होती है थोड़ा एक्सचेंज भी चलता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ ये सब धारणा को भी अटैच करके देखा जा सकता है। इस संदर्भ में मैंने थोड़ा सा व्यावहारिक पहलू से इस बात को उत्तर देने के प्रयास किया, और आपने इसको कर्मशास्त्री सिद्धांत के आधार पर इसको जोड़ा जा सकता है, और हमारी भारतीय परंपरा ऐसा बोलती भी है, संचित क्रियमाण प्रार्थ कर्मों का भी लेखा जोखा होता है, कर्तव्य क्रम उसको भोगना होता है और वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतिम क्रम शुभाशुभम, ये सिद्धांत भी काम करता है यहाँ पर। ये सिद्धांत वहां पर भी काम किया होगा रामकृष्ण परमहंस जी पे और विवेकानंद जी पर भी। डॉक्टर इंदु जी या मोहनलाल जी वैसे उपस्थित रहे हैं, मोहनलाल जी काफी समय से लेकिन उन्होंने अपना जी 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 मैडम इंदु जी और उसके बाद धन्यवाद जी जी लेकिन Hello? बहुत गूंज रही है स्पष्टता नहीं है। डॉक्टर मोहनलाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो आप सही आ रही जी? हाँ जी आप काफी साफ है। हाँ जी सभी को प्रणाम। मैं विषय तो बहुत गहन चल रहा है और इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो सामान्य चीज पूछूंगी कि एक तो अपने चक्रों को अपन कैसे सबको व्यवस्थित रख सकते हैं, ऐसी कोई सामान्य प्रक्रिया यदि हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक चक्र सही हो जाए, और दूसरा क्या भोजन के बाद क्या तेज कदमों से चल सकते हैं, एक ये था और मुझे तो भूल गई है, दो चीजें तो मुझे याद आ रही है। बबीता जी का प्रश्न काफी अच्छा था है ना, और वास्तव में ये चिंतन तो होता ही कि इतने बड़े योगी के साथ ऐसा क्यों हुआ है ना। धन्यवाद में ही बस ये जानना, वो योगी के साथ नहीं हुआ, वो देह के साथ हुआ। रविंदर जी, डॉक्टर रविंदर गुप्ता जी। जी सर। सर मेरी दो व्यक्तिगत
समस्याएं हैं उनके संदर्भ में है। एक तो ये मेरे को जैसे एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने दूध नहीं पीना लेकिन दही खाना है, एक प्रश्न है। दूसरा सर मेरे को बताया गया है कि भी आप जो है ठंडा पानी कभी ना पिए, थोड़ा गर्म पानी पिए तो आपका पेट ठीक रहेगा, क्या ये दोनों बातें सही हैं? देखिए एक मिनट बता दो सर, एक्चुअली आई हैड बीन अ पेशेंट ऑफ फियोक्रोमासाइटोमा, तो मेरी दोनों एड्रेनल ग्लैंड जो है निकाली जा चुके हैं ऑपरेशन से, उसके कारण स्टीरॉइड पर हूं मैं पिछले 18 साल से, तो उसके संदर्भ में उन्होंने डॉक्टर ने मुझे ये कहा हुआ है। ओके, है थोड़ा व्यक्तिगत लेकिन नहीं नहीं ठीक है, सभी की जानकारी के लिए। ये तो देखिए रविंद्र जी, इसमें दो बातें हैं। प्रथम तो अगर आप दूध या दूध का कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं आप, तो वहां क्या होगा, आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा और अभी भी आपको रहा है ये प्रॉब्लम। नहीं है, वो चल रहा है सर, गैस का कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, क्योंकि मैं आपकी बॉडी केमिस्ट्री से देख पा रहा हूँ ये चीजें, ये अभी भी मौजूद है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी है जो गैस को फॉर्मेशन करे, जो आपके एसिडिक लेवल को बढ़ाए, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो हमारा 3:1 होना चाहिए, यानी आपका जो 3 पार्ट एल्कलाइन बॉडी होना चाहिए और 1 पार्ट आपका एसिडिक होना चाहिए, 80 और 20 का अनुपात होना चाहिए। 80 हमारा एल्कलीन होना चाहिए बॉडी और 20 हमारा एसिडिक होना चाहिए, तो स्वास्थ्य होगा हमारा सही। अब इसमें जो दही को उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि दही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद जल्दी मोटेबलाइज होगा और उसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको एक पोषण प्राप्त होगा और आपकी जो गट का फ्लोरा है वो सुरक्षित रहेगा। उससे जब गट का फ्लोरा आपका सुरक्षित रहेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो भी समुदली होगा। अगर इसके विपरीत आप दूध लेते हैं या मक्खन मावा पनीर लेते हैं तो आपका डेफिकेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसी अवस्था में आपका, जैसे आपने एड्रेनल ग्लैंड्स के विषय में बताया, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, वो एक विशेष तरह के एड्रेनालिन हार्मोन का सीक्रेट करती है और वो हार्मोन हमारे बॉडी को स्टिमुलेशन देता है। अब चूंकि आपको बैठने के लिए, लेटने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, अब ये जो लक्षण आ रहा है, ये लक्षण आपकी बॉडी केमिस्ट्री में कहाँ से आ रहा है कि जो आपका सस्टेनिंग हार्मोन सिस्टम है वो एड्रेनालिन से डोमिनेंट होता है और वहां डिस्टर्बेंस है, तो उस डिस्टर्बेंस को कवरअप करने के लिए वो इस तरह की रिकमेंडेशन उन्होंने योग हार्ट के बारे में दी आपके, कि आप दही का सेवन करें जिससे आपका गट फ्लोरा सही रहे और गुड बैक्टीरिया वहां पर अच्छे से ग्रोथ करे, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वॉकिंग ज्यादा थोड़ा सा नहीं होता है, क्या मैं सही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टिबल हो, और मैं मानता हूँ कि दही बड़ा सुपाच्य है और आपको उससे पोषण भी प्राप्त होगा, गट फ्लोरा भी आपका संरक्षित रहेगा, पाचन की समस्याओं से आप दूर रहेंगे, तो आप उनको निर्बाध रूप से ले सकते हैं। और सर दूसरा पानी के बारे में था कि गर्म पानी पीना नहीं। देखो पहली बात तो गर्म पानी पीने का कोई उचित नहीं बनता, क्योंकि क्यों उचित नहीं बनता, मैं अभी नाड़ी दर्शन पे आ जाता हूँ, ऋषियों के विज्ञान पर आ जाता हूँ। ऋषियों का विज्ञान क्या कहता है कि आप पानी को गटागट करके मत पिए, एक पानी को चूस चूस कर पिए, पहले उसको आप मुंह में डालें, उसको स्पीस इन द माउथ एटलीस्ट 1 मिनट,
जब आप उसको स्विच करते हैं अपने माउथ में तो ऑटोमेटिकली आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो आपको हीट मिलेगी उस हीट से उस पानी का तापमान आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको अलग से गर्म पानी पीने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप उसको लीजिए मुख में स्विच कीजिए और फिर उसको निगलिए। यानी हमें जो तरल पदार्थ है उनको चबाना चाहिए और जो ठोस पदार्थ है उनको पीना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषियों की प्रज्ञा बोलती है। ठोस पदार्थ से यदि भोजन के कोर को आप चबा चबा के इतना पतला बना दे कि वो लिक्विड जैसा हो जाए और आप उसको गटक जाएं, तो आधा पाचन का कार्य तो हमारे माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में दांत है और पेट में आंत है। यदि दांतों का काम आंतों को करना पड़ जाए तो सीधी साफ बात है कि आपकी आंतें निश्चित रूप से बीमार होगी ही होगी। इसलिए जिसका जो काम है वो काम उसी को दीजिए, दांतों का काम दांतों को दीजिए और आंतों का काम आंतों को दीजिए। और जब भोजन को हम अच्छी तरह से चर्वित चर्वण करके लेंगे तो चर्वित चर्वण से उस भोजन का जो तापमान है वो हमारे बॉडी के तापमान के अनुकूल हो जाएगा। जो आप पेय पदार्थ लेंगे वो हमारे बॉडी के तापमान के अनुकूल हो जाएगा अगर उसको आपको स्विच करके मुंह में अच्छे से उसको गटकेंगे। तो आशा करता हूं कि आप ऋषियों की प्रज्ञा का अनुपालन करें न कि आसुरी प्रज्ञा का। धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और बहुत सुंदर और बहुत उपयोगी हमारे लिए आज की ये चर्चा रही है। इस विषय को हम लोग चक्रों के लिए पूछा था मैंने कि कोई ऐसा कोई साधारण सा कोई उपाय उसके लिए डॉक्टर इंदु जी उसके लिए एक अलग सत्र करना पड़ेगा चक्रों की। हाँ वो एक अलग से सत्र करेंगे तो उस पे फिर ये चर्चा रखेंगे डॉक्टर साहब के साथ। सर ये बता दीजिए छोटा सा कि भोजन के पश्चात तेज कदमों से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, और अगर शरीर में शिथिलता हो रही है तो ऐसा क्या उपाय करें कि तुरंत वो काम के लिए एक्टिव हो जाए। हाँ ठीक है, देखिए इसमें सर्वोदय विज्ञान बड़ी आपकी मदद कर सकता है। आप देखिए आपका स्वर कौन सा चल रहा है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको सूक्ष्म भोजन करना चाहिए। वहां गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आप अपच का शिकार हो जाएंगे, और यदि आपका सूर्य चल रहा है तो आप गरिष्ठ भोजन भी कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से पाचन को प्राप्त होगा। आप अब थोड़ा सा स्वर विज्ञान लीजिए, सीखिए, थोड़ा सा देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आप अपनी उंगली को आपके नथुने के समीप लेके आइए तो वहां आपको स्पंदन महसूस होगा, उंगली का जो टिप्स है वहां पर। अगर आपको राइट स्पंदन अधिक महसूस हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी अग्नि प्रदीप्त है, आप उसमें हवि डाल सकते हैं। ठीक है जी, आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो थोड़ा सा रुके या सूक्ष्म आहार करें, ये थोड़ा ध्यान रखिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको तत्काल करने के लिए क्या करना है। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलने के लिए वो पूछ रही थी कि भोजन करने के बाद प्रतिशत मात्रम प्रतिशत वाली जो बात है वो तीव्र गति से करना उचित है कि नहीं है, तेज गति से भोजन करने के पश्चात चलना चाहिए या नहीं। देखिए इसमें हमें ध्यान रखना होगा, यदि हम मध्याह्न का भोजन कर रहे हैं तो मध्याह्न के भोजन के पश्चात हमें 20 मिनट तक बाई करवट यानी विष्णु मुद्रा में लेटना चाहिए, और सायंकाल का भोजन करने के पश्चात हमें 500 से लेकर 1000 कदम तक चलना चाहिए यानी लगभग 1 किलोमीटर तक चलना चाहिए। तो ऐसा आप इसमें नियम रख सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और 10 मिनट तक आप वज्र आसन में भी बैठ सकते हैं यदि आपके घुटनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वो सबसे उत्तम है। चलिए आज के इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और सबसे पहले सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो उन्होंने इतने समय तक इतनी रुचि पूर्वक इस सारी चर्चा में प्रतिभागिता की, प्रश्न किए, टिप्पणियां की और इस
चर्चा को सजीव बनाए रखा। और उसके साथ ही आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र नारायण शर्मा जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अपनी ओर से भी, बाकी सब संस्थाओं की ओर से भी, कि उन्होंने विषय को बड़े व्यवस्थित रूप में, सहज रूप में और युक्ति संगत रूप में हमारे साथ साझा किया है और विभिन्न प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए हैं, जिससे कि हमारे जो ज्ञान का विकास हुआ है उसका आयाम बढ़ा है और सूक्ष्मता भी उसमें आई है और हमें ये विषय समझ में भी कुछ सीमा तक आया है। बाकी तो अभ्यास और तपस्या जो है वो बड़ा आवश्यक गुण है, उसके बिना हम कहें कि हमें विद्या की समझ में आ जाएगी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के जब हम उनसे प्रश्न करते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो तपस्या करके ही जाना उचित होता है। तो उन्होंने हमारा मार्ग निर्देशन किया, उसके लिए उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि एक जो सत्र और है इस आयुर्वेद के विभिन्न विषयों को लेकर के, वो हमारे साथ जरूर करें। जी, इस विषय को हम फिर दोबारा लेंगे। तो इसी के साथ, इससे पहले कि हम सभा विसर्जित करें, दो सूचनाएं दे देता हूं कि मंगलवार को हम एक चर्चा रख रहे हैं, ओपन हाउस डिस्कशन है, कोई मुख्य वक्ता नहीं है उसमें, और वो है संस्कृत शास्त्री क्रिटिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, उस पर ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा। और उसके बाद सैटरडे को रहेगी इस्लामिक एट्रोसिटीज ऑन कश्मीरी पंडित्स, उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर महेश कौल। तो ये दो विषय अगले हफ्ते के रहेंगे, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ें और फिर उसके बाद हम और जो चर्चाएं हैं उनको अग्रसर करते रहेंगे। तो कृपया आप इसमें भी जुड़ें, जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि सूचनाएं आप लोगों तक सहज रूप में पहुंच सकें, और डॉक्टर साहब को भी मैं उसमें इंक्लूड कर लूंगा ताकि आप लोग उनके साथ चर्चा कर सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुखद रहा और बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अब। धन्यवाद सर।